हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? सभी लोग ज्वाइन करेंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल, स्वागत है आप सभी लोगों का। डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग ज्वाइन करेंगे। कैसे हैं सब लोग? चलिएगा, सिलीजरिंग जेई एंड ए चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएमआरसी के लिए, और ये बात सच है कि एक्चुअली में हमारे केवल जो सब्जेक्ट डील हो रहे हैं इसमें, वो केवल चुनिंदे सब्जेक्ट जो यूपीएमआरसी जेई का सिलेबस है उसमें से ही हो रहे हैं, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को डील किया था अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिकों से। आज हमारा एक कंबाइंड सेक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो बस देर नहीं करते, फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेशन को, क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा ज़्यादा करने से है, क्योंकि डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखना हर एक बात कि हम मेरी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि आप, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ बड़े बड़े एग्ज़ाम की, जैसे कि गेट एग्ज़ाम होता है, ESC का एग्ज़ाम होता है, या कोई मेंस का एग्ज़ाम है, क्योंकि उनमें आपकी प्रैक्टिस तो खैर चाहिए चाहिए, लेकिन आपको डेप्थ में घुसना होता है हर एक सब्जेक्ट में। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको कितने समय में, कितने कम से कम समय में आप किसी क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वो क्वेश्चन कम से कम 20 से 50 बार, 100 बार देखना पड़ेगा। वो जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रहेगा, उसको आपको पहले देखना, देखा हुआ होना चाहिए, जिससे कि आपको मुंह जुबानी याद हो आंसर। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज यूज फॉर द अंडर वाटर? तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोलिक लाइम होता है ऑब्वियसली। कॉन्क्रीट हैविंग द स्लम्प ऑफ द 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी, जब हम बात करते हैं स्लम्प वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर, तो ये किसके अंडरगत आता है? तो आप तुरंत जवाब कर देंगे, फटाफट से जवाब करो जी, फटाफट से जवाब करो जी। किस शेयर जरूर कर दें क्लास को, है ना, शेयर जरूर कर दें। चलो क्या हो जाएगा, हमको ये टेबल पता होनी चाहिए डियर स्टूडेंट, है ना, ये टेबल पता होनी चाहिए। अगर ये टेबल आपको पता है तो आपका काम बन सकता है, अगर ये टेबल पता है तो आपका काम बन सकता है दोस्तों। चलो बताओ, पता था ये टेबल नहीं था? सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का मतलब है, एक सेकेंड, 6.5 सेंटीमीटर का मतलब है डियर स्टूडेंट, आप इंटू 10 कर दोगे तो 65 mm, क्योंकि डियर स्टूडेंट हम सब लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm, तो 65 mm जो है आपका रेंज आ रहा है किसमें, 65 इसमें आएगा, मॉडरेट और प्लास्टिक मिक्स इसको कहेंगे। तो आपका एक ट्रू स्लम्प होता है, एक जीरो, आपका एक कोलैप्स, ये तुम्हारा परफेक्ट है, ऐसा तो होता नहीं है एक्चुअली में। जनरली आपको अच्छा होगा तो ये ट्रू दिखेगा, नहीं तो कोलैप्स दिखेगा, नहीं तो शियर दिखेगा, सबसे खराब ये वाला है कोलैप्स वाला। तो प्लास्टिक के अंतर्गत आएगा ये, कर दिया होगा सभी ने जवाब। राधे राधे जी, राधे राधे सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। सभी लोगों को एक बार तहे दिल से गुड इवनिंग, और राजेंद्र कार्टून ब्लॉग, आई एम न्यू स्टूडेंट, तो स्वागत नहीं करोगे हमारा, ऐसा ऐसा है। कैपलरी राइज और फॉल होता है, आपके दो फिनोमिना होते हैं एक्चुअली में। एक फिनोमिना होता है जब हम राइज की बात करते हैं, तो वहाँ पर एडेशन की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि आपके जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनका एडेशन होता है ज़्यादा, किधर, कांच के मॉलिक्यूल से। और जब हम बात करते हैं कैपिलरी फॉल, तो उस दौरान आपका कोहेसन ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन बिटवीन द सेम पार्टिकल्स। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर एक चीज़ जो है बहुत कॉमन है दोनों केस में, और वो चीज़ है डियर स्टूडेंट, सरफेस टेंशन। और आप सब लोग तो जानते हैं कि सरफेस टेंशन, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ,
न्यूटन पर मीटर, दिस द यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा खेला जो है सरफेस टेंशन का है। चलेगा, मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज जनरली डन बाय द यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। आपको निकालना है ना। मेरा कहना यह है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये आपका प्रेशर डिफरेंस जो आप मेजर करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा जाए तो आपका बैरोमीटर, मैनोमीटर यूज होते हैं, लेकिन सिंपल मैनोमीटर यूज होते हैं। लेकिन जब हम डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करते हैं तो दो पॉइंट के प्रेशर के बीच का डिफरेंस, मतलब कि द प्रेशर बिटवीन द टू पॉइंट, दैट मीन्स पी ए माइनस पी बी, इस तरह से आप कह सकते हैं, तुरंत आप जवाब दे सकते हैं। वेरी गुड, सभी लोग बहुत एक्टिव मोड पर हैं, तो आप क्लास को जरूर शेयर कर दें। कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड इन कॉन्क्रीट एज, डियर स्टूडेंट, कैल्शियम क्लोराइड को आप कॉन्क्रीट में मिलाते हैं, और आप सब लोग तो जानते हैं कैल्शियम क्लोराइड एक तरह का क्या है, CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड एक तरह का बहुत ही अच्छा एक्सीलरेटर है जो कि सेटिंग टाइम को क्या कराएगा, सेटिंग टाइम को घटाएगा, मतलब कि बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। सर पीडीएफ नहीं मिलता है क्या, काहे नहीं मिलेगा? ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तुरंत ज्वाइन करें, और यहाँ पर मैं आपको जो है आज शाम को ही 2-3 पीडीएफ आज आपको दे दूंगा। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, तो यहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है, क्लास की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जब भी आप कहते हैं, तो अगर आप किसी सॉइल की बात कर रहे हैं तो यूनिट वेट ऑफ द सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ द वाटर, दिस इज द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड एक्चुअली एट द 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड यू नो दैट द स्टैंडर्ड फ्लूड टेकन एज वाटर, एंड यू नो दैट द स्टैंडर्ड फ्लूड टेकन एज वाटर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस इज द यूनिट वेट ऑफ द एनी सब्सटेंस टू द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड, एंड यू नो वेल यू नो दैट द स्टैंडर्ड फ्लूड इज टेकन एज वाटर एट डेंसिटी ऑफ वाटर एट द 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ वाटर टेकन एज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। वेरी गुड, तो ये है जी, हम जानते हैं कि जब दोनों ही जगह डेंसिटी है तो जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट सेम होगी, तो यूनिट लेस बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो हम कहेंगे नो यूनिट, दैट मीन्स नो डायमेंशन। चलेगा, ज्वाइन किए थे सर बट नहीं मिला सर जी, तो बेटा केवल टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो कैसे मिलेगा, हैं? टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए केवल बस आते हो, हैं? बस पीडीएफ से मतलब है, क्लास से मतलब नहीं है, हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि किसी मंदिर में भंडारा लगा हो और आप पुजारी को कहें कि पुजारी जी मेरा भंडारा, जो मेरा खाना है घर पहुंचा देना, कितनी गलत बात है ना। भंडारे का मतलब क्या है कि आप आओ मंदिर में, आओ थोड़ा हाथ पूत जड़ा पूजा पाजा कर दो, उसके बाद भोज खा के घर जाओ। आप तो ये कह रहे हैं कि सर हम क्लास में तो नए स्टूडेंट हैं और टेलीग्राम में हम पुराने स्टूडेंट हैं। गजब बेइज्जती, गजब बेइज्जती, गजब। नॉमिनल क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉमिनल साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मॉड्यूलर ब्रिक बोला है, लेकिन वैसे तो अगर आप दिमाग लगाए भी 20 गुना 10 गुना 10 करो भी तो कहाँ से करोगे, कर ही नहीं सकते। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है जी, ये वाला सी वाला ऑप्शन है, इसी को तो लिखते हैं आप 19 × 9 × 9। मैं तो समझा ही चुका हूँ, ये mm में है, सेंटीमीटर में लिखोगे वैसे। गजब हो गया सर, है ना। हाँ हम समझ गए, वैसे नॉमिनल साइज जो होता है ना, हम समझ गए, नॉमिनल साइज का मतलब होता है आपका मोटार के साथ 20 × 10 × 10, लेकिन मरता क्या नहीं करता। हाँ आज से डेली क्लास लेंगे सर, हाँ तो ठीक है, हम भी डेली आपको प्रोवाइड करेंगे फिर। तो 19 ये बात कही थी आपको, ठीक है ना, लेंथ विड्थ और डेप्थ की बात हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ द सीमेंट, डियर स्टूडेंट, सीमेंट के अंदर मैं कई बार आपको बता चुका हूँ चार कंपाउंड होते हैं, C3S, C2S, C3A और C4AF। इसमें से दो कंपाउंड बहुत मेजरली हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रखते हैं, और वो कौन है आप तुरंत जो है देखते ही तुरंत लपेट दोगे क्वेश्चन को, वो है सी
3s और C2s, मतलब कि ये वाला, ध्यान से जवाब करना। भले हालांकि ये बात सच है कि केवल दोनों के दोनों स्ट्रेंथ के लिए काम करते हैं, इनिशियल स्ट्रेंथ और फाइनल स्ट्रेंथ। और बात भी सच है, हमें तो मेनली स्ट्रेंथ ही चाहिए है ना, शुरुआत में स्ट्रेंथ से तो मतलब है। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट कार्बन कंटेंट। आपको मैंने कई दफा बताया है कि भाई जब आप बात करते हैं कार्बन कंटेंट की, तो कार्बन कंटेंट की एक खासियत है कि जब ये बढ़ता है तो यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन डक्टिलिटी घटती है, डक्टिलिटी घटती है। तो हम कहेंगे कि एक्चुअली में प्योरेस्ट जितना आयरन होगा, जितना प्योर फॉर्म में आयरन होगा, उतना उसमें कारन आयरन का जो कार्बन कंटेंट है कम होगा। हम सब लोग तो जानते हैं कि इन चारों में से सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में यही है जी, इसमें कार्बन कंटेंट सबसे सबसे कम होगा। और अगर मैं बात करूँ पिग आयरन की, तो ये सबसे इम्प्योर फॉर्म में होगा, ये सबसे इम्प्योर फॉर्म में होगा और इसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा। ए ऑप्शन है अभी, तुरंत जवाब करो। गुणा थोड़ा सा जोड़ घटाना है बस, जोड़ घटाव करना है बस। तो आप कहेंगे कि सर 293 डिग्री 30 मिनट है, आपको निकालना है ये रिड्यूस बियरिंग में। 293 डिग्री हम सब लोग जानते हैं कि किस क्वाड्रेंट में होगा। सर ये है 270 का, ये है 180 का, ये है 90 का, क्योंकि होल सर्कल बियरिंग हमेशा हम यहाँ से चलते हैं। तो ये यहाँ कहीं होगा दोस्तों 293, मतलब ऐसा घूमो के आए होंगे आप। 293 डिग्री 30 मिनट, हमको ये एंगल चाहिए, तो 360 में से घटाओ। कभी भी 360 में से घटाने का पाप ना करें। हम सब लोग बात जानते हैं कि एक डिग्री होता है 60 मिनट की, एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो हम 360 डिग्री माइनस सीधे नहीं करते हैं, हम 360 डिग्री को लिखते हैं 359 डिग्री 60 मिनट। हमेशा ऐसा करना, कभी कभार आप मिनट में से डिग्री घटाने लगते हैं तो वो गलत आ जाता है। तो 293 डिग्री और 30 मिनट आप ऐसे घटाने लगोगे, यही सबसे बेस्ट तरीका है। और ये कुछ ऐसा, और हम कहेंगे कि सर ये भी ऐसा है ना, गजब हो गया सर। तो 66 डिग्री 30 मिनट आपका आ चुका है, लेकिन आप नॉर्थ से वेस्ट वाले कोऑर्डिनेट में हैं, तो इसलिए लिखेंगे नॉर्थ 66 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। यही सब ने किया होगा, कोई इसके अलावा है तो बताओ, कोई ऐसा बालक हो जो बताओ, कोई था ऐसा जिसने गलत जवाब किया हो। सर आपका पेड क्लास ज्वाइन करना है यूपीएमआरसी का, यूपीएमआरसी का क्रैश कोर्स डाला है भाई। एक्चुअली मैं क्रैश कोर्स भी क्या बोले उसको, डिटेली कोर्स है वो, इतने लंबे लंबे लेक्चर डाले हैं मैंने। तो जो लोग डिटेल में भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना कर सकते हैं भाई। मतलब ऐसा नहीं है उसमें कि मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में बता रखा है, कि मैं अपने मुँह से सच में कह रहा हूँ, ये सच बात है। मतलब कि अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं, भले प्रैक्टिस वाले जो सेशन है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जैसे आप बीएमसी कहो तो वो भी डिटेल में है, सर्विंग अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी डिटेल में है। तो आप यूपीएमआरसी का जो कोर्स बनाया हमने एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से। एड मिक्सर विच कॉज द अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द कॉन्क्रीट आर कॉल्ड। तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व किए हुए हैं तो वो डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिस वो यूट्यूब से मेरे साथ कर लेते हैं। मतलब कि डिटेल कोर्स से पढ़ ले रहे हैं, प्रैक्टिस यहाँ से धनाधन यहाँ से कर दे रहे हैं। चलिए जी, एडमिक्सर विच कॉज द अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द कॉन्क्रीट आर कॉल्ड एड। तो आप कहेंगे सर एडमिक्सर विच कॉज द अर्ली सेटिंग, जब बात हो गई है अर्ली सेटिंग और हार्डनिंग, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट सबसे पहला नाम आएगा एक्सेलेरेटर का, है ना, अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट। हार्डनिंग के लिए भी काम आएगा क्या, रिटार्डर तो नहीं होगा दोस्तों, अर्ली सेटिंग है, तो हम इसके लिए हम एक्सेलेरेटर का नाम या यूज कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है ऐसे एडमिक्सर भी आप यूज करें जहां पर कि आपका रैपिडली हार्डनिंग आए, एक्सेलेरेटर कहना सही रहेगा, ठीक है, सेटिंग के बेस पे। ओपन चैनल कितने लोगों ने देखा है भाई, जरा बताओ। ओपन चैनल जैसे कि आपका कोई रिवर जा रहा है, हाँ, कोई रिवर जा रहा है, या आपका कोई कैनाल बह रही है ना, कैनाल बह रही है, अंडर ग्रेविटी फ्लो जो होता है, प्रेशर फ्लो नहीं, अंडर ग्रेविटी फ्लो। तो डियर स्टूडेंट ओपन चैनल फ्लो में ये देखा गया है कि एक्चुअली में पानी का लेवल ये है, तो हमारा जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है कुछ ऐसा बनता है दोस्तों, ये कुछ इस तरह का, थोड़ा बहुत कुछ इस तरह का प्रोफाइल बनता है।
तो ये मैक्सिमम जो वैल्यू देखी गई है वो ये वाली, ये कुछ तो ये फ्यू डिस्टेंस नॉट एट मिड स्पैन, मतलब कि आप मिड पर भी नहीं करोगे, मिड डेप्थ पे भी नहीं करोगे, सरफेस पे भी नहीं रहता है। जैसे पाइप फ्लो में क्या होता है, पाइप फ्लो में डियर स्टूडेंट आपका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा होता है, मतलब कि सेंटर पे ही वी मैक्सिमम होता है। तो इसका तो अलग है, ये पाइप फ्लो के केस में है, फ्लूड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ओपन चैनल फ्लो का। लेकिन ओपन चैनल फ्लो में देखा जाए तो मैक्सिमम वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है वो टॉप सरफेस से, मतलब कि सरफेस ये होता है आपका फ्लो सरफेस, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस नीचे, तो जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, इसको फ्री सरफेस कहते हैं। सर हमने देखा, सर क्या देखा, आदित्य नारायण आप फौजी लग रहे हो। हाँ चलो, फौजी बनने का सपना तो था मेरा, अब बने नहीं तो कम से कम दिखे तो सही। गजब हो गया, जय हिंद सर। मेडुला इज आल्सो नोन एज, मेडुला इज आल्सो नोन एज पिथ होगा, सैपवुड होगा, हार्टवुड होगा या मेडुला रे होगा। तो आप तुरंत जवाब करेंगे सर मेडुला जो है ना, मेडुला किसको कहा जाता है, ऐसा आपने देखा होगा किसी लकड़ी को, किसी टिम्बर को काट के देखना, ऐसा क्रॉस सेक्शन, तो अंदर एक पिथ होगा ऐसा काला काला, फिर इसके सराउंडिंग में ऐसे लेयर होंगे, ये एग्जोजीनियस रॉक में होगा बस, ऐसा 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 पास पास होंगे, तो उसको बोलेंगे दिल के करीब हार्टवुड। क्या बोलेंगे उसको, पास पास जो लेयर होंगी एनुअल रिंग, इनको बोला जाता है हार्टवुड। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, हार्टवुड, दिल के करीब, पिथ के नजदीक जो होंगी, पिथ को ही बोला जाता है मेडुला भाई। और सैपवुड कहाँ होगा, जो दूर दूर लेयर होंगी ना ये, इनको बोला जाता है सैपवुड। क्या बोला जाता है, सैपवुड। मेडुलर रे जो होती है ये आपकी ऐसे, जो आपकी ये क्रैकिंग जो पड़ती है ना ऐसे, इन रेज को बोला जाता है मेडुलर रे, ये जो लिखी गई है, ठीक है, जानते भी थे आप इस बात को, है ना, वेरी गुड। तो यहां पर देखना चाहोगे जरा कुछ बातें प्यार से देखना चाहोगे, चलो देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट हम बात कर रहे थे यहाँ पर इसकी, यही है वो पिथ, ये है जी पिथ, आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, बिल्कुल 3D व्यू में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये है वो पिथ। और आप देख रहे हैं कि जो लेयर है इसके नजदीक, ये वाला जो अंदर वाला लेयर है काला काला, इसको बोला गया था क्या, हार्टवुड, इन एक्टिव जीलम कहा जाता है इसको, जाइलम। इसके बाद इसके बाहर जो है डियर स्टूडेंट, ये हो गया सैपवुड, इस ये वाली लेयर, पहले अंदर ये काली काली, इसके नजदीक में ये होगा इस हार्डवुड, फिर सैपवुड, है ना। उसके बाद हमारी ये लेयर होती है डियर स्टूडेंट कैम्बियम लेयर, इसी में वो सैप होता है, फिर इनर बार्क होती है, फिर आउटर बार्क होती है। मैंने एक एक लेयर आपको दिखा दी है बहुत अच्छे से, समझ गए। कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन कॉन्क्रीट क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, अभी जस्ट पहले हमने बात की है तो इस पे समय नहीं लगाएंगे सर, ये एक्सीलेटर है एक तरह का। चलिए तुरंत जवाब करो, ये कर तो नहीं दिया आपने ये वाला क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कर दिया शायद, ये रिपीट हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, चलो नेक्स्ट है। बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर, बेसाल्ट जो स्टोन है ये बाय नेचर अगर हम बात करते हैं तो किस तरह का नेचर है भाई, ये बात तो सच है। यहाँ पर देखते ही आपको ये दो चीजें तो हटा ही देनी है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी जो है बीएमसी पढ़ा है, रॉक वाला चैप्टर पढ़ा है, तो ये दो आप तुरंत हटा दोगे, ये तो मुझे पता है, क्योंकि मेटामॉर्फिक पे भी नहीं आता है ना, ये मेटामॉर्फिक पे भी नहीं आता, और ये तुम्हारा सेडिमेंटरी में नहीं आता, आता तो भैया इग्नियस में है, ये बात तो सच है, तो आता तो ये इग्नियस के अंतर्गत है, इग्नियस रॉक जो होती है, आग्नेय सेल या आग्नेय चट्टान जो मैग्मा के द्वारा आती है, मैग्मा का जो ऊपर जो ठंडे होके बनती है। लेकिन ये वैल्कनिक है या प्लूटोनिक है, वैल्कनिक जो है आपका एक्सटीरियर पे होगी सरफेस पर, एक इंटीरियर पर जो होगी वो प्लूटोनिक होगी, तो ध्यान रखिएगा ये किस तरह के रॉक में आएगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये वेल्कनिक में आएगा क्या, ये वॉल्केनिक में आता है, ध्यान रखना इसको, चलेगा। इन ओपन चैनल द मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स, आपको याद है कि मैंने ये वाला जो चैप्टर है आपका एक परफेक्टली ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक सेशन लिया था एसएससी जेई के दौरान, उसमें मैंने सब बताया था आपको कि एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव रॉक क्या होती हैं, और वहां पर मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी आते हैं इससे वो सब बताया था, उनके एग्जाम्पल भी बताया था कि पेगमेटाइट किसका होता है, प्यूमिस, बेसाल्ट, डोलोराइट, ये सब बता रखे थे, चलो फिर बता देंगे आपको। मैक्सिमम वेलोसिटी अकर, ये वाला तो हो गया ना, यार क्या कर दे रहे हो सारी, फिर से रिपीट हो रहे हैं ना एक्चुअली में कुछ कुछ, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो अब
स्प्रेड इज गिवन अंडर द बेस ऑफ द वॉल और कॉमन इज नोन एज, गजब हो गया जी, क्या बोला जाता है इसको? प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है फाउंडेशन, एक होता है मतलब कि सब स्ट्रक्चर, और एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना, ये ग्राउंड सरफेस है दोस्तों, ये है ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल को आप डिनोट जो करते हैं कुछ ऐसे करते हैं, ग्राउंड लेवल के जितने नीचे ये कुछ हम ऑफसेट करते हैं ऐसे, आपने देखा होगा इसको स्प्रेड फुटिंग भी कहते हैं, ऐसे 15-15 सेंटीमीटर के लगभग ऑफसेट डालते हैं, है ना, 15 सेंटीमीटर को फिर ऑफसेट डालते हैं, एक ऑफसेट, दूसरा ऑफसेट, फिर हम फुटिंग स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, फिर हम फुटिंग स्टार्ट कर देते हैं लगभग 90 सेंटीमीटर की, ये आपकी फुटिंग स्टार्ट हो गई है, कॉन्क्रीट की फुटिंग, ये आपके कॉन्क्रीट की फुटिंग। हुआ क्या इससे कि ऊपर से जो भी लोड आएगा ना वो सब आपका डिस्पर्सन हो जाएगा, मतलब कि जो भी आपका लोड आएगा ऊपर से, ये जो लोड आएगा, हम सब लोग जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, कई दफा सफा समझा रखा मैंने आपको। तो ये जो आपका प्रेशर है, एरिया जो है डिस्पर्सन होगा नीचे आते आते, कॉन्क्रीट में आते आते, सॉइल में आते आते एरिया डिस्पर्सन होगा तो प्रेशर रिलीज होते जाता है, ये ऑफसेट का काम है, ऑफसेट इसलिए छोड़ा जाता है ना। अब सवाल यह है कि डियर स्टूडेंट, ये जो ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल पे ही डायरेक्टली हम फ्लोर लेवल नहीं बनाते हैं, ग्राउंड लेवल पे ही डायरेक्टली फ्लोर लेवल नहीं बनाते, हम थोड़ा सा हाइट मेंटेन करते हैं। ये हाइट मेंटेन करी हमने लगभग लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर, 30 से 40 सेंटीमीटर मतलब एक फिट के ऊपर थोड़ा सा हम हाइट मेंटेन करते हैं, ग्राउंड लेवल पे नहीं, थोड़ा सा हाइट मेंटेन करते हैं, और इस पे हम क्या मारते हैं, हम इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट प्लिंथ लेवल, इसको बोलते हैं दोस्तों प्लिंथ लेवल। इस प्लिंथ लेवल पर हम एक रद्दा और देंगे कंक्रीट का या किसी बिटमिन का, इस रद्दे को बोला जाता है डियर स्टूडेंट डीपीसी। तो इसलिए पूछा जाता है कि प्लिंथ लेवल पे ही डीपीसी जाती है, ठीक है ना। तो ये है डियर स्टूडेंट आपका डीपीसी, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लगभग डीपीसी हम डालते हैं, डैम प्रूफ कोर्स। इससे होगा क्या, अभी दो चीज हमने एक साथ पढ़ ली है, पहली चीज क्या, आपने ये जो प्लिंथ बढ़ाया है ये हाइट क्यों दी है, तो हम जानेंगे सर कि यहाँ से जो बारिश आएगी ऐसे 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 छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आएंगे ऐसे नाच नाच के, अगर यहीं पर आपने फ्लोर लेवल बनाया होता तो आपके घर में घुस सकते थे सांप बिच्छू वगैरह, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, या बारिश सीधे अंदर घुस सकती है, आपके लिए नुकसान है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हाइट मेंटेन करी है, उसके बाद डैम प्रूफ कोर्स, मतलब कि यहाँ से जो नमी आएगी सॉइल की उसको भी यहाँ पर प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया है। अब यहाँ से दोस्तों आपका फ्लोर लेवल शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से फ्लोर लेवल आपका शुरू होगा। तो ये जो आपने स्प्रेड किया है ना, ये जो तरीका है, अब देखिएगा ध्यान से, ग्राउंड लेवल के नीचे जितना भी स्ट्रक्चर होता है ये सारा स्ट्रक्चर कहलाता है सब स्ट्रक्चर, ये कहलाता है आपका सब स्ट्रक्चर। ग्राउंड लेवल के ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर होगा ये सब कहलाता है सुपर स्ट्रक्चर, जो भी होगा, एक फ्लोर, दो फ्लोर, जितने भी आपने बनाए होंगे सब सुपर स्ट्रक्चर। तो ये जो स्प्रेड किया, ये फुटिंग के बारे में बात की गई है। सर बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहा है, हाँ शादी हो रही है शादी हो रही है शायद यहाँ पर ना बगल में। सर आप कहाँ से हो? हम देहरादून से हैं जी, राजेंद्र जी, देहरादून में पढ़ाई हो रही है आपकी। तो हम कहेंगे कि सर ये फुटिंग की बातें बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, ये फुटिंग के बारे में बात हो रही है। पाइल्स क्या होता है ना डियर स्टूडेंट, पाइल्स आपके दो तरह की होती हैं, प्लिंथ मैंने आपको समझा दिया है, फुटिंग मतलब फुटिंग इज द पार्ट ऑफ फाउंडेशन इट्सेल्फ, फुटिंग इज द पार्ट ऑफ फाउंडेशन इट्सेल्फ, जो नीचे कॉन्क्रीट के आपने रद्दा मारा था उसी को फुटिंग बोल रहे हैं, और फाउंडेशन में पूरा आ गया वो सब स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लिंथ आपको समझा दिया। पायर क्या होता है ना, पहले मैं पायर समझाता हूँ, पायर क्या होता है, जैसे आपने कोई ब्रिज बनाया दोस्तों, ये ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है, ब्रिज में जो तुम्हारे एंड सपोर्ट होंगे, ये वाले जो एंड सपोर्ट होंगे, जैसे कि ये हो गया और ये होगा, ये जो एंड सपोर्ट होंगे अंत में, तो ये दोनों कहलाएंगे आपके अबटमेंट, क्या कहलाएंगे, अबटमेंट, दोनों एंड सपोर्ट ऑफ द ब्रिज इज नोन एज अबटमेंट, इसको भी कहेंगे हम अबटमेंट। और इंटरमीडिएट सपोर्ट, जैसे कि यहां पर होगा, इंटरमीडिएट सपोर्ट जितने भी होंगे वो सब कहलाएंगे डियर स्टूडेंट पायर। तो पायर की कहानी भी खत्म। अब आते हैं हम पाइल क्या होता है, पाइल, तो पाइल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट एक तरह का तैयार है कॉन्क्रीट किया गया, आरसीसी का होता है। पाइल का हम यूज कर तब करते हैं जब आपके सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, या आपको बहुत बड़ा मल्टी मतलब कि बहुत बड़ी वो बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है जिससे कि आपका स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी खूब सारा हो। तो हम ग्राउंड लेवल में, ये है आपका ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल में बोरिंग करेंगे,
बोर कर दिया आपने एक्सकेवेटर से, यहाँ पर हम स्टील का केसन बनाएंगे। एक स्टील का केसन ऐसा होगा, इस स्टील के केसन को आप डुबो देंगे ऐसे, उसके बाद कॉन्क्रीटिंग करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ गेन करने का वेट करेंगे, और उसके बाद आपका फिर पाइलिंग की जाएगी, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग तरीके हैं। तो पाइल आपका एक कास्ट, एक आता है प्री कास्ट पाइल और एक आता है कास्ट इन सीटू पाइल, ठीक है। तो ये सब तमाम जानकारी मैंने आपको दे दी है। कंबाइंड फुटिंग का जो शेप माना जाता है, किस तरह से माना जाता है, तो जो कंबाइंड होती है डियस्टन फुटिंग, उसका शेप जो है कैसे माना जाता है। हाँ चलेगा, तो आपका ट्रेपेजॉइडल शेप माना जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिएगा, इसको पढ़ के आप जवाब करेंगे किस तरह का फुटिंग दिख रहा है। आइडेंटिफाई द गिवन टाइप ऑफ फाउंडेशन, आपको फिगर दिख रहा है क्या, फिगर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। स्प्रेड फाउंडेशन है या स्टेप्ड फाउंडेशन है, सिंगल फाउंडेशन है डियस्टन, ये स्टेप्ड फाउंडेशन में आएगा। आप देखें ध्यान से, तो फिगर तो दिख रहा था ना, डी कैसे होगा भाई डी कैसे हो गया, ये हाई लेवल के थे। ये तुम्हारे ये नहीं है क्या, ये सैलो फाउंडेशन नहीं है गजब हो गया तुम हाई लेवल के खेलते हो कभी कभी। चलो बताओ ये इस तरह का फाउंडेशन कैसे, किस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे। एक्चुअली में क्या होता है ना, डिफरेंशियल सेटलमेंट के लिए हम ऐसा करते हैं, जब आपको लगे कि कभी आपका डिफरेंशियल सेटलमेंट हो सकता है इसका अलग और इसका अलग, तो फिर उस दौरान हम एक बीम का भी आपका यूज किया जाता है, यहाँ पर सैंड का बीम, इसको स्ट्रैप बीम कहते हैं। तो ये पूरा अरेंजमेंट जो कहलाता है फिर स्ट्रैप फुटिंग ही कहला लेता है। फिगर तो वन नजर में दिख जाता है ना सर आपकी टीचिंग बहुत अच्छी लगती है, ऐसा क्या, तभी तुम रोज क्लास में रहते हो बेटा है, रहते हो क्लास में रहते हो। हाँ सर रोज रहता हूँ मैं, इसीलिए इसको स्टेप फुटिंग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। गजब हो गया सर। अच्छा बताओ जरा, ये मैंने आपको अभी जस्ट पहले कहा था कि पाइलिंग हम करते हैं, आरसीसी का केसन बनाएंगे, उसमें कॉन्क्रीट को फोड़ देंगे, फिर बन गया आपका आरसीसी का एक पाइलिंग, इसमें लोड बियर करेगा। अब आपका यहाँ पर जैसे सॉफ्ट सॉइल है, इधर हार्ड सॉइल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका एंड बियरिंग होता है, एक फ्रिक्शन पाइल होता है, फ्रिक्शन के माध्यम से लोड ट्रांसफर होता है। तो हम कहेंगे कि सर ये जो फिगर आपको दिख रहा है, साफ तौर पे देखना है आपको, ये फिगर हमको दिखा रहा है कि एंड बियरिंग पाइल है, एंड बियरिंग पाइल है दोस्तों। क्या बोला जी, एंड बियरिंग पाइल है, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर आपके बॉटम से जो है लोड जो है रजिस्ट हो रहा है, बॉटम से लोड रजिस्ट हो रहा है, ठीक है, समझ गए बात को, किसी को समस्या। तो एंड बियरिंग पाइल इसको बोला जाएगा। फिगर को देखते ही आप जवाब कर पा रहे हैं। द वर्टिकल ज्वाइंट सेपरेटिंग द ब्रेक इन आइदर लेंथ और क्रॉस डायरेक्शन इज नोन एज, वर्टिकल ज्वाइंट सेपरेट द ब्रेक इन आइदर लेंथ और क्रॉस डायरेक्शन इज नोन एज। वर्टिकल ज्वाइंट की बात हो रही है मित्रों, वर्टिकल ज्वाइंट की बात हो रही है, और वर्टिकल ज्वाइंट में तो आप जानते हैं कि सर हम बात कर रहे हैं किसकी। फिगर में समझाता हूँ मैं आपको, ये बात की हो रही है, एक ब्रिक ये थी इस वर्टिकल ज्वाइंट की बात हो रही है, ये दूसरी ब्रिक। हॉरिजॉन्टल वाले को तो हम बेड कहते हैं, बी ई डी एस, लेकिन ये वर्टिकल वाले को क्या करेंगे दोस्तों, इसको कहते हैं परपेंट्स, इसको कहते हैं वर्टिकल वाले को परपेंट्स, याद रखना परपेंट्स कहा जाता है, ठीक है। Which type of the band, bond, the header are distributed evenly, ठीक है ना, header bond को हम केवल distributed कर रहे हैं, क्या होगा इसका जवाब, English bond, header bond, Flemish bond और stretcher bond, which type of band the header are distributed, dear student actually में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सारे के सारे bond, English bond में आपका एक layer में आपका मतलब कि स्ट्रेचर होगा, तो दूसरे में हेडर, स्ट्रेचर समझते हो ना आप, ये है आपकी ब्रिक, तो ये वाला स्ट्रेचर कहलाता है, ये वाला हेडर, तो स्ट्रेचर टू स्ट्रेचर होंगे हर एक लेयर में, तो स्ट्रेचर बोन, हेडर टू हेडर होंगे तो हेडर बोन, और एक में एक ही लेयर में आपके एक पूरी लेयर आपकी स्ट्रेचर की होगी, दूसरी हेडर की होगी, तो वो फ्लेमिश बोन, लेकिन एक ही लेयर में स्ट्रेचर होगा फिर हेडर होगा, इस तरह से चलेगा तो फिर फ्लेमिश बोन।
तो दोस्तों ये बात हो रही है एक्चुअली में किसकी, हेडर की, ठीक है। नहीं ये फ्लेमिश है इसका आंसर, सॉरी इसका फ्लेमिश। ये इवनली का मतलब ये यहां पर कहना चाह रहा है, ये है इंपॉर्टेंट कि एक के बाद एक छोड़ के, देखो मैं बता देता हूँ क्या इसका आंसर सी है भाई। देखो कैसे, इस फिगर में देखना, एक में पहला आपने स्ट्रेचर मिलाया है, फिर हेडर है, फिर स्ट्रेचर है, यही है इसका मतलब। इवनली का मतलब वही था वो, कि हर एक को छोड़कर आपका हेडर, यहाँ पर भी देखें हेडर, फिर छोड़ा, फिर हेडर, फिर छोड़ा, फिर हेडर, तो इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड है जी। तो ध्यान से जवाब करना, यहाँ पर गलती से नहीं करना जल्दीबाजी में। The external corner angle of the your wall surface are called, कोई वॉल होती है ना ऐसा, तो कोई दीवार है, इस दीवार का जो एक्सटर्नल कोना है, इस कोने को क्या बोला जाता है जी, तो उसको हम क्वाइंस कहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा क्वाइंस, आप यहाँ पर इस दीवार में देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से कि ये दीवार है आपकी मैसनरी, यहाँ से दीवार है, तो इसको एक्सटर्नल जो कोना है, इस कोने को हम क्वाइन कहते हैं, QUOIN क्वाइंस कहते हैं जी। दोस्तों इस फिगर को देखते हुए आपके दिमाग में क्या घंटी बज रही है, इस दिमाग इसको देख के क्या घंटी बज रही है, सर यहाँ पर लेंथ के हाफ से आपने काटा, विड्थ के हाफ से काटा, इस ट्रायंगलर पोर्शन को भगा दिया, जो रेस्ट पोर्शन बचा क्या बचा वो, तो हम तुरंत कहेंगे कि सर ये तो किंग क्लोजर हो गया, देर नहीं करेंगे। देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। देखो यार एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, अगर पढ़ा है तो तुरंत जवाब करें, ठीक है, समझ गए बात को। चलो, विच इज द इंक्लाइंड और स्प्लेट सरफेस ऑन द अबटमेंट, अबटमेंट आप जानते ही हैं, और म्यूजिक का आनंद लेते हुए आप लोग क्या बोल रहे हैं सर, हमारे एक डाउट है, यूपीएमआरसी में 5 सब्जेक्ट के अलावा सारे सब्जेक्ट आएंगे, क्यों भाई, जो सिलेबस दिया है वही तो आएगा। राजेंद्र जी ऐसे बनाते हैं क्या सिलेबस, अगल बगल शादियां हो रही है भाई, तो म्यूजिक का आनंद लेते हुए पढ़ाई करेंगे, इसको मोटिवेट लें, मोटिवेशन में लें कि हम पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट इसको स्क्यू बैक कहा जाता है, जो आपका ट्रायंगुलर अबटमेंट के पास में जो ट्रायंगुलर शेप जो रहता है, ये रिजिडिटी प्रदान करने के लिए, और इस लोड को जो आर्च का जो ये पोर्शन है, इसका लोड को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ट्रांसफर करने के लिए काम करता है बहुत अच्छे तरीके से, तो यही है स्क्यू बैक का काम। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं दिख रहा था क्या, दिख रहा था सर। वेज शेप यूनिट एट द क्राउन ऑफ द आर्च, आर्च समझते हो क्या, आर्च, तो आर्च का जो टॉप में एक शेप है। सॉन्ग अच्छा चल रहा है इसके, समझ आ रहा है कुछ, कौन सा सॉन्ग चल रहा है, ऐसी बस मजे ले रहे हो। विच वन इज द वेज शेप, वेज शेप मतलब एक ट्रायंगुलर शेप ही बनता है वो क्राउन पे, ये तुम्हारा अगर आपका आर्च है तो उसके क्राउन पे बनता है वो, बनाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, चलिए बेटा अगर गढ़वाली आती है तो तभी समझ पाओगे गाना, नहीं तो तुम्हें पता नहीं लगेगा ये गाना चल कौन सा रहा है, लगेगा कि मलयालम है, कोंकण है, की स्टोन उसको बुलाता है दोस्तों, ये है ना जो क्राउन पे जो स्टोन है, इस स्टोन को बुलाया जाता है क्या, की स्टोन। तो आप सभी लोगों ने जवाब गलत किया था भाई, की स्टोन उसको बुलाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। Which is the vertical member which is the fixed between the string and handrail to give the support to the handrail, बताएगा भाई, ये आपका BMC का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप देखते होंगे, ठीक है,
तो यहाँ पर जो होगा नेवल पोस्ट ही हो गया, ये बड़े बड़े जो होंगे नेवल पोस्ट होंगे। ये होता है हैंड रेल बेटा, हैंड रेल क्या होता है, सपोर्ट किल होता है बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आपके जो बीच में लगे जाते हैं ना, ये बच्चे बुच्चे गिरे ना, तो इनको कहा जाता है बैलेस्टर। इन्हीं की बात कर रहा हूँ, बैलेस्टर साहब, बैलेस्टर साहब। प्रोटेक्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रेड बियॉन्ड द फेस और राइजर इज नोन एज, देखो ये होता है डियोस्ट्रन स्टेप, स्टेप में ये होता है राइजर, ये होता है ट्रेड। तो यहाँ पर छोटा सा एक प्रोटेक्टिंग पार्ट क्या होता है, इसको स्मूथ करते हैं, एक्चुअली में इसको स्मूथ कर लेते हैं, किसी को चोट चाट ना लगे, अच्छा भी लगेगा दिखने में। नोजिंग कहा जाता है इसको, नोजिंग। और आप देखना चाहते हैं फिगर में तो देख लो जरा, ये वाला पार्ट जो इसकी बात हो रही है प्रोटेक्टिंग पार्ट, ये देखो थोड़ा सा बियॉन्ड किया है ना, प्रोजेक्शन किया है राइज का, ट्रेड का एक्चुअली में। ये देखो गजब हो गया सर, इसको बोला जाता है क्या, नोजिंग। आवाज खूब आ रही है ना गाने में, मुझे भी आ रही है। सर आप तो मजे ले रहे हो गाने में। नहीं यार मजे नहीं है, इरिटेटिंग तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत नजदीक है शादी एक्चुअली में। Which is the vertical face of an opening? मेरी आवाज़ तो आ रही है ना, छोड़ो तुम, भूल जाओ अगल बगल क्या हो रहा है। सर आपकी आवाज़ बस हमें आ रही है, बस हमें इतना ही चाहिए। मेरी आवाज़ आ रही है ना, बस उसमें ही आंसर करते रहो, बस आंसर करते रहो, बस आपका फोकस वहाँ होना चाहिए। Which is the vertical face of opening in the wall which support the door? What which support the door? Vertical face. Dear student, इसको जैम्ब कहेंगे, इसको जैम्ब कहेंगे dear student। और यहाँ पर अगर आपका आगे फिगर है तो फिगर में मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है वो आपका, ये वर्टिकल फेस जो है वॉल में होगा, ये दीवार में, इसको जैम बोला जाता है डियर स्टूडेंट। क्या बोला जाता है दोस्तों, जैम, जैम। ओके, ऊपर तुम्हारा ये लिंटल भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है फ्रेम के ऊपर। वर्टिकल मेंबर विच सपोर्ट द डोर फ्रेम आर कॉल्ड, ध्यान रखिएगा, वर्टिकल मेंबर है विच सपोर्ट द डोर फ्रेम। गजब हो गया जी, क्या बोला जाता है इसको, वर्टिकल मेंबर विच सपोर्ट द डोर फ्रेम आज कॉल्ड एज स्टाइल्स, जैम्स, रिवील्स या पोस्ट। ये जो है पोस्ट कहलाता है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर वेयर लॉकिंग अरेंजमेंट इज फिक्स्ड और लॉकिंग अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड, दिस इज टॉप रेल, बॉटम रेल, मिडिल रेल, लॉक रेल, क्या कहोगे? सर मैं ऊपर उत्तर प्रदेश से हूँ। विच इज द मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर वेयर द लॉकिंग अरेंजमेंट, मतलब कि लॉक लगाया जाता है जहां पर लॉकिंग के लिए रहता है। तो जरा बता देते हैं आपको, ये दरवाजा है जी, मैं दरवाजा को उखाड़ के लाया हूँ अभी आपके लिए, बाहर वाला दरवाजा था एक खराब हुआ था आपके लिए ला गया लो। तो हम कहेंगे कि सर सबसे टॉप रेल, तो देखो देखो पहले बाहर तो होता है फ्रेम, ये फ्रेम होता है बाहर चौखट, तो चौखट में ऊपर वाला हिस्से को हेड कहते हैं, ठीक है ना, इस वाले हेड हिस्से को सिल कहते हैं, SILL। उसके बाद आते हैं हम दरवाजा, दरवाजे को हम शटर कहते हैं, शटर। तो शटर का ये वाला पोर्शन टॉप रेल, इंटरमीडिएट रेल, ये वाला वर्टिकल पोर्शन बीच वाला मलियंस, MULLIONS, लॉक रेल जिसमें लॉक अरेंजमेंट रहता है। उसके बाद बॉटम रेल होगा एक ये वाला, उसके बाद जो वर्टिकल पोर्शन होते हैं ना दरवाजे में, ये वाले इनको स्टाइल बोला जाता है, और ये जो चौड़े चौड़े पैनल लगे हुए हैं इनको पैलन बोला जाता है, ये पैनल है डियर स्टूडेंट, ठीक है। और यही चीज़ें मैंने यहाँ पर भी कवर अप करी हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, गजब हो गया सर। तो हम कहेंगे कि इसको लॉक रेल कहेंगे, इसको जहाँ पर लॉकिंग अरेंजमेंट रहेगा, लॉक रेल रहेगा दोस्तों। आगे आते हैं, विच वन आर दी विंडो, विच टाइप ऑफ विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ, कोई ढालदार स्लोप वाली कोई रूफ, रूम है, रूफ होगी एक्चुअली में, रूफ छत है,
उसमें आप किस तरह का विंडो यूज करना चाहोगे? तो हम बोलेंगे सर, हाँ बाहुबली सर। हाँ भाई, मैं तोड़ के लाया था आपके लिए। डॉर्मर विंडो कहे जाती है वो, है ना, डॉर्मर विंडो है ये। इस तरह की जो विंडोज होंगी खिड़की, तो इनको डॉर्मर विंडो कहा जाता है दोस्तों, स्लोपी रूप में कहा जाएगा। जो इसका जवाब करो जरा, देखते हैं सबसे पहले किसका आएगा। अब इसमें देखो 293 है, मतलब 360 में से घटाना पड़ेगा फिर से। तो 360 में से मैं कैसे घटाता था, 359 डिग्री 60 मिनट, क्योंकि यही होता है आपका 360 डिग्री, इसमें से घटाना पड़ेगा 293 डिग्री। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना बेटा? तो आप जानते हैं कि सर ये हो जाएगा 30, सर ये हो जाएगा आपका कितना 6, और ये हो जाएगा सर, बात तो वही हुई सर, कर दिया था ये आपने। चले, फॉर्मूला यूज इन द करेक्शन फॉर द कर्वेचर, दो होते हैं, एक होता है कर्वेचर का और एक होता है आपका रिफ्रैक्शन का, और एक होता है कंबाइंड वाला, इसको याद कर दीजिए। सर रिपीट हो रुका था ना, मैं आगे बढ़ा दिया उसको, रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है आगे बढ़ा दिया। कर्वेचर वाला होता है दोस्तों 0.07849 डी स्क्वायर, इसी को जब लिखते हैं 0.0785 डी स्क्वायर, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है दोस्तों। रिफ्रैक्शन वाला लिखना हो तो 0.0112 डी स्क्वायर आता है, सी आर वाला रिफ्रैक्शन वाला। कंबाइंड वाला लिखना हो 0.0673 डी स्क्वायर आता है, ये नेगेटिव आता है, ये भी नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, अगर आप ध्यान से देखें तो डी किलोमीटर में होता है, डी किलोमीटर में होगा। विद एन इंक्रीज इन द डिनोमिनेटर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन द स्केल ऑफ द मैप विल बी, अरे जल्दी बोलो, जोर से बोलो, म्यूजिक का आनंद लेते हुए क्या है? तुम लोग तो पढ़ने से ज्यादा म्यूजिक का आनंद ले रहे हो ना। चलो भाई, इसीलिए आंसर नहीं आ रहे। डिनोमिनेटर अगर आपका इंक्रीज होता तो स्केल घट जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप स्केल जानते हैं, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। तो डिनोमिनेटर अगर घटे बढ़ेगा, डिनोमिनेटर तो ये है ना, बढ़ेगा तो स्केल विल बी डिक्रीज, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, किसी भी लाइन का स्लोप जो हम मेजर करते हैं, इन चार में से एक है वो, इन चार में से एक है। चलो बताओ फिर, क्लिनोमीटर, पेडोमीटर, ऑडोमीटर और पैनोमीटर। तो आप कहेंगे कि किसी भी लाइन का जो स्लोप मेजर किया जाता है वो क्लिनोमीटर से निकाला जाता है। भले मैं और भी बातें आपको समझा रहा हूं, है ना, मैं और भी बातें आपको समझा रहा हूं कि ये पेडोमीटर, ऑडोमीटर, ये पैनोमीटर कहां पर यूज होता है, लेकिन इसका आंसर सी, क्लिनोमीटर, दैट मीन स्लोप को मेजर करेगा किसी भी लाइन का। तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं क्लिनोमीटर, दिस इज यूज फॉर द मेजरिंग एंगल ऑफ स्लोप, एलिवेशन हाइट मतलब डिप्रेशन मतलब कि डेप्थ। किलोमीटर इज द स्पेशल केस ऑफ स्पिरिट लेवल, एक्चुअली दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ वन मिनट। किलोमीटर इज द यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेटनेस ऑफ द फ्लैटनेस ऑफ द सर्फेस। ऑडोमीटर जो है डीएसटन आपका यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पर आप क्या बोलते हो, मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल में यूज किया जाता है ऑडोमीटर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक आपके डिवाइस में यूज किया जा सकता है, मैकेनिकल डिवाइस में यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। इसको हम ट्रिप मीटर भी कहते हैं, डिस्टेंस इसको ट्रिप मीटर भी यूज करते हैं, ध्यान कह सकते हैं। तो ये सब तमाम जानकारी आपको इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये पेंटोग्राफ आपने कहाँ पर सुना है भाई, ये पहले भी डिस्कस किया होगा शायद मैंने कभी, पेंटोग्राफ, हाँ, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चलो हाँ, जवाब करो सर, बीच बीच में मजाक होता रहे। हाँ बेटा, मजाक होता रहेगा।
बस आंसर मत दो तुम। तो हम कहेंगे कि सर पेंटोग्राफ का जो यूज होता है ना, किसी भी स्केल को या मैप को एनलार्ज या रिड्यूसिंग, किसी प्लान को एनलार्ज या रिड्यूसिंग करने के कारीगर साबित होता है या काम में आता है। तो आप तुरंत जवाब करेंगे सर फॉर एनलार्जिंग दी और रिड्यूसिंग दी प्लान, एनलार्जिंग और रिड्यूसिंग दी प्लान, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, लेसीमीटर, टेंसोमीटर, ये बात आपने जरूर सुना होगा और ये सॉइल मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि इरीगेशन हाइड्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ टॉपिक उससे भी जुड़े होते हैं सॉइल मैकेनिक्स से। इसलिए लेसीमीटर और टेंसोमीटर, खासकर इसमें सबसे प्रमुख है लेसीमीटर। ये तो कई जगह आपने देखा होगा कि ये क्या काम करता है, तो आप तो देखते ही बता दोगे सर ये इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करता है। जब एक मालूम है दूसरा अपने आप निकल जाएगा। टेंसोमीटर का मतलब होता है सॉइल के अंदर जो प्रेशर लगाता है प्लांट पानी को खींचने के लिए, उसको बोलता है SMT, सॉइल मॉइस्चर टेंशन। पढ़ा होगा आपने, प्लांट जो पौधा है वाटर को एक्सट्रैक्ट खींचने के लिए कितना टेंशन लगाता है, खिंचाव लगाता है, वही तो कहलाता है कैपिलरी पोटेंशियल। और उसी को मेजर करने के लिए हम जो कहते हैं पोटेंशियोमीटर। दोस्तों कोई बात नहीं, आपको नहीं भी पता था, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ आज। लेसीमीटर जो है आपका इवेपोट्रांसपिरेशन निकालता है, टेंसियोमीटर कैपिलरी पोटेंशियल, फीटोमीटर आपका ट्रांसपिरेशन स्पेशली, और एटोमीटर इवेपोरेशन, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, परमियमीटर जिसको परमेबिलिटी कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रोमीटर, ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सैक्रोमीटर, और विंड स्पीड तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही एनेमोमीटर। तो इस चार्ट पर स्क्रीनशॉट ले लो। गजब हो गया सर। कोर कटर आपने देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर घबराएंगे नहीं। यहाँ पर आपको करना क्या है, अ कोर कटर हैविंग द वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 1000 cm³, वेट जो दिया हुआ है 1000 ग्राम। यहाँ पर बोला गया है इंसिटू डेंसिटी निकालनी है, जब वेट ऑफ द कोर कटर फुल ऑफ द सॉइल इज दिस इज द इतना। गजब हो गया सर, निकाल दोगे। सबसे पहले जवाब किसका आया भाई? देखो, सबसे पहले आपको बल्क डेंसिटी जो आप जानते हैं, हमेशा से ध्यान रखिएगा जब भी आप डेंसिटी की बात करते हैं ना, तो ये होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन वेट सॉइल का निकालना है, तो डियर स्टूडेंट जो आपका ये जो वेट था, टोटल वेट आया था, इस वेट में आपका कोर कटर का भी है, उसमें आपका सॉइल का मतलब कि वो भी है, जो आपका कोर कटर का वेट है, मतलब टोटल वेट तो ये था, इसमें से कोर कटर का जो वेट है उसको माइनस करोगे तो तभी तो एक्चुअल सॉइल का वेट आएगा। तो सॉइल का वेट यहीं से तो आ जाएगा, अपॉन 1000 कर दिया तो आ गया 1.85। तो कोई ऐसा बालक जिसने ना किया हो इसको, तो आप बता सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉइल इज चेक्ड बाय, सॉइल का डेंसिटी आप चेक करते हैं कैसे? डेंसिटी ऑफ सॉइल इज चेक्ड बाय, डेंसिटी ऑफ सॉइल लेबोरेटरी की बात हो रही है जी, लिचैट लेबोरेटर्स, कैसे ग्रैंडे, मॉडिफाइड फैक्टर या डायरेक्ट शियर टेस्ट। मेरे हिसाब से तो भैया डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो यही है ये वाला, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि लिचैट लेयर अपरेटस से साउंडनेस चेक करते हैं सीमेंट की, कैसे ग्रैंडे से लिक्विड लिमिट सॉइल की चेक करते हैं, शियर स्ट्रेंथ से डायरेक्ट शियर टेस्ट से डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो बसता तो एक ही है, कौन, मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट। लाइम मोर्टार इज मेड बाय, जब आप करेंगे लाइम मोर्टार जो है कैसे बनता है, लाइम मोर्टार इज मेड बाय। लाइम मोर्टार, क्लास को लाइक ना करें हैं, कतई ना करें, बस ऐसे बैठते रहे ऐसे भूत की तरह। लाइम मोर्टार इज मेड बाय क्विक लाइम, फैट लाइम, व्हाइट लाइम या नन ऑफ द अबव, क्या जवाब करोगे सर? गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व करवा दो, हाँ गुप्ता एंड गुप्ता की PPT बनवा दो, बस सॉल्व कराने में कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोलिक लाइम,
और आप जानते हैं कि यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोलिक लाइम को यूज करते हैं मोटार में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि था भी नहीं वहाँ पर। वेरी गुड। विच कॉगुलेंट इज वाइडली यूज फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट, ध्यान रखिएगा हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब कि आप वेस्ट वाटर वाले में यूज, वेस्ट वाटर की बात कर रहे हैं ना कि ड्रिंकिंग वाटर की, इसलिए कौन सा कॉगुलेंट यूज होता है यहाँ पर, अब दबक के अलामत कह देना, समझ गए, सोच के जवाब करना। क्या बोल रहे हैं, सी ऑप्शन 100% के साथ। फेरी क्लोराइड क्या, चलो मैं बता देता हूं कुछ बातें प्यार से। डियर स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं कॉगुलेंट यूज फॉर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कॉगुलेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं, जिसमें कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, ध्यान से सुनते रहो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको चीजें बता रहा हूँ यहाँ पर, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस में है। एक होगा आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक होगा फेरिक क्लोराइड, मैं वेस्ट वाटर की बात कर रहा हूँ सीवेज वाले की, एक होगा फेरिक एंड फेरस सल्फेट, एक होगा अमोनियम क्लोरोहाइड्रेट। तो ये आपकी सारी चीजें हैं जो कि आपका सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान यूज होती हैं एज अ कॉगुलेंट। लेकिन लेकिन डियर स्टूडेंट नेक्स्ट, लेकिन सवाल ये होता है इनमें से सबसे प्रमुख रूप से कौन यूज होता है, इनमें से जो प्रमुख यूज पर है वो है डियर स्टूडेंट फेरिक क्लोराइड। कौन है दोस्तों, फेरिक क्लोराइड। आपसे कभी पूछा जाए ना कि सबसे प्रमुख रूप से यूज होने वाला वेस्ट वाटर में कॉगुलेंट, फेरिक क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है आपका ड्रिंकिंग वाटर वाले में, एलम फेरस सल्फेट, क्लोरिनेटेड फेरस सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो हम कहेंगे लास्ट में नोट में लिखा है, फेरस क्लोराइड इज वाइडली यूज फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट एंड एलम इज द वाइडली यूज फॉर द वाटर ट्रीटमेंट। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि भाई वाटर ट्रीटमेंट के दौरान कौन सा है इंपॉर्टेंट, एलम, और एलम तो आप जानते ही हैं Al2SO4 का होल थराइज इंटू 18H2O, इस फॉर्मूले को एल्यूमिनियम सल्फेट की फॉर्म है, मतलब ये एक तरह का है ना, क्लियर है यहां तक, इसको जो है ध्यान रखिएगा कौन सा। तो यहां पर आपका फेरिक क्लोराइड हो जाएगा आंसर, फेरिक क्लोराइड हो जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट की बात हो रही थी, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द ड्राई यूनिट वेट, भाई एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है तुरंत जवाब आ जाता है, तुरंत जवाब आ जाता है, जरा बताओ कौन जवाब करेगा। ड्राई यूनिट वेट निकालना है दोस्तों, काहे घबराते हो, गामा डी इज इक्वल टू, सब लोग तो जानते हैं कि बल्क डेंसिटी अपॉन 1+ वाटर कंटेंट, बल्क डेंसिटी 5 दिया है, ड्राई डेंसिटी 1+ 0.17 हो जाएगा। सर 0.17 कैसे हुआ, क्योंकि 17% है, तो तुरंत जवाब किसी का आया हो तो जवाब करेंगे। जवाब करो, क्या होगा, कितना आ जाएगा, किसी ने मारा हो तुक्का तो बताओ। फोर पॉइंट टू सेवन सर, बिल्कुल, ये किया भी आपके लिए, जो लोग नए हैं भाई, कोई है ऐसा कोई नया विद्यार्थी हो, सच सच बताना सर, हाथ खड़े करो, कौन नया विद्यार्थी है, ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों हाथ खड़े करो, सर हम नए विद्यार्थी हैं, उसके बाद बोलो किसने सब्सक्राइब नहीं किया, सबने किया, चलो लिचैटलियर अपरेटस, लिचैटलियर अपरेटस बताओ थर्टी एम एम पिछली क्लासों में भी आपको बताते चल रहा हूँ मैं, ये जो आपका लिचैटलियर अपरेटस है उसमें जो डायमीटर यूज होता है 30 mm का होता है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका थोड़ा सा हटके है, हल्का सा, थोड़ा सा मेहनत लगती है इस क्वेश्चन में, हल्का सा, भले जिन लोगों ने मेरे साथ पहले किया होगा उसको डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बट है थोड़ा सा मेहनत लगती है इसमें, डायरेक्ट नहीं है ये,
देखो यार होता क्या है ना, 30 मीटर की जो चेन होती है उसमें होते हैं 150 लिंक, और लिंक तो मैंने आपको समझा ही रखे हैं, 350, 150 लिंक्स। 20 मीटर की चेन होगी, अगर आपकी मेट्रिक चेन में एक 20 मीटर आती है, एक तो 30 मीटर आती है, तो 20 मीटर में होते हैं 100 लिंक और 30 मीटर में होते हैं दोस्तों 150 लिंक। जानते कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं सर। 30 मीटर 150 लिंक का है, तो 1 मीटर हो जाएगा आपका 150/30, मतलब कि 5 लिंक, मतलब कि 1 मीटर जब आपका 5 लिंक के बराबर है तो हम कहेंगे 1 लिंक कितने के बराबर होगा? 1 लिंक जिस इज द 1/5 क्या, और 1/5 का मतलब होता है 0.2 मीटर क्या। उल्टा कर दिया ना मैंने, 1 मीटर में 5 लिंक, तो 1 लिंक कितने मीटर के बराबर? 0.2 मीटर के। मतलब कि मुझे पता लग गया है कि सर 1 लिंक जो बराबर हो गया है 0.2 मीटर के हो चुका है। ये बात तो आप समझ ही गए हो। और अगर जब मुझे पता लग गया है कि 1 लिंक 0.2 मीटर का है, तो हम कह देंगे कि सर 0.2 लिंक किसके बराबर होगा? तो ये हम कहेंगे 0.2 × 0.2, दैट मीन्स 0.04 क्या मीटर के बराबर होगा। मतलब कि 1 लिंक 0.2 मीटर के है, तो 0.2 लिंक जो बराबर होगा, क्योंकि हमारा सवाल यही था, 0.2 लिंक जो होगा वो 0.04 मीटर के बराबर होगा। मतलब कि पहले अगर मैं कहूं कि पहले जो लंबाई थी चेन की वो 30 मीटर थी, अब जो हो गई वो 30 − 0.04 मीटर कम हो चुकी है। और हमें तो पता है तरीका वही, ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। जब आपने एक अच्छी चेन से मेजर किया, जो कि अच्छी चेन 30 मीटर की थी, ठीक है ना, तो हमें ये नहीं पता लगा कि वो अच्छा है कितना। लेकिन जब हमने गलत चेन से रेंज किया, गलत चेन जो थी वो ऐसी रही होगी छोटी, इससे 30 − 0.04, तो उससे मेजर किया, तो वो गलत जो पाई गई लेंथ आपके ग्राउंड डिस्टेंस मेजर जो की 450, तो यहां से एक्स निकालने में क्या तकलीफ है इस सज्जन को? है इस सज्जन को क्या तकलीफ है भैया? तो हम कहेंगे कि सर 449.4 जो है, अरे आंसर सही करो भाई, 8 है क्या? सवाल सही से करना भाई, यहां पर शायद मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, सही से करके देखो, नहीं तो मुझे करना पड़ेगा। कोई है ऐसा जिसने सही जवाब किया होगा? नहीं तो मुझे करना होगा, कर दोगे आप? अरे दिस माइनस दिस करो इंटू दिस करो अपॉन 30 डाल दो, एक्स आ जाएगा जी। गजब करते हो, 449.4 आ जाएगा सर, ऑप्शन में नहीं है ऐसा भी। चलिए खैर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज फॉर द टेस्टिंग फाइनेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट की फाइनेस हम निकालते हैं महीनता, क्योंकि जितना सीमेंट फाइन होता है उतना उसकी अर्ली स्ट्रेंथ गेन करने की रैपिडनेस बढ़ती है, वो जल्दी गेन करता है स्ट्रेंथ को। तो हम बोलेंगे सर सीव मेथड बिल्कुल 90 माइक्रोन की, वैगनर टर्बिडिमीटर मेथड बिल्कुल सर, एयर परमिबिलिटी टेस्ट बिल्कुल सर, डेंसिटी बोटल मेथड बिल्कुल गलत बात है, तो ये डी ऑप्शन जो है ये गलत है। चलिए भाई, मैंने कई बार आपको बताया कि ओपीसी सीमेंट जब हम बनाते हैं भाई, तो सीमेंट के जो इंग्रेडिएंट हैं उनके फंक्शन उनके परसेंटेज याद कर लो बेटा, काम आएगा, एक नंबर। फालतू का क्वेश्चन है वो, एक नंबर मिल रहा है जो, तो रट लो, एक छोटी सी टेबल है बस, और उस टेबल में देखते ही आप नजर मार देते हो क्या कि सर 17 से 25% होगा सिलिका। देख लो जरा अपनी आंखों से, देखो सिलिका जो है कितना है, SiO2 17 से 25%, लाइम सबसे ज्यादा होता है सीमेंट बनाने में 60 से 65%, उसके बाद एल्यूमिना, फिर आयरन ऑक्साइड। तो भैया 17 से 25% का मतलब है कि सर ये ही तो था सिलिका, सिलिकन डाइऑक्साइड SiO2। गजब हो गया, ये क्या दिखा दिया सर आपने। ठीक है, समझ गए? समझ गए होंगे शायद।
फॉर टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ द क्यूब यूज्ड इज दी। तो थोड़ा सा एनर्जी आई कुछ बात सुनकर, नींद ना आने दें। हाँ, अगर कुछ समझ आई है कुछ बातें तो इसका जवाब करो जरा। सबसे पहले देखते हैं किसको एनर्जी मिली है उस कोट से, अब्दुल कलाम जी के कोट से, सपने तो वो हैं जो रातों को आते हैं। हाँ, तुम सही जाओगे। 70.6 mm क्या है ना, 70.6 mm, वेरी गुड। क्योंकि ये सीमेंट की बात हो रही थी, अगर यहीं पर कंक्रीट होता ना तो कंक्रीट आप दबा के 150 कर देते, 150 करते। हाँ, नींद को मार भगाएंगे, ठीक है, चलेगा। फ्रॉग ऑफ द ब्रिक, फ्रॉग समझते हैं, ब्रिक इज नॉर्मली मेड ऑन इट। भाई आप ब्रिक को जब स्टेप, मतलब ब्रिक को जब प्लेस करते हैं मैसनरी के दौरान, किस तरह से करते हैं कि फ्रॉग बॉटम में रहे, फ्रॉग टॉप में रहे, कैसे रहता है फ्रॉग, तो समझते हो ना आप, टॉप फेस में, बॉटम फेस में, या लॉन्गर फेस या शॉर्टर फेस। तो आप तुरंत जवाब करोगे, सर ये जो बातें होती हैं ये टॉप फेस की बातें हैं। किसकी? टॉप फेस की दोस्तों, टॉप फेस में, ये देख पा रहे हैं आप, ये वाला फेस, ये टॉप फेस में रहता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फ्रॉग। और ये वाली जो बात है ये है आपका हेडर और ये है आपका स्ट्रेचर, ये है फ्रॉग। कोई मुझे बताओ, कोई ऐसा बालक जो मुझे इसका परफेक्ट साइज बता सके। भाई ब्रिक का तो आप जानते ही हैं, 19 × 9 × 9 रट दिया आपने। अगर आपको मोटार के साथ बोले नॉमिनल साइज 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर में, समझ गए बात को। अब यहाँ पर ये फ्रॉग का साइज कितना लेते हैं हम, ये कोई बताना चाहे तो बता सकता है, जिसको बताओ। कई दफा मैंने लिखा रखा है, ऐसा नहीं है, 10 × 4 × 1, सही बता रहे हो क्या? एग्जैक्टली, ठीक है ना, 10 × 4 × 1। 1 का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, जस्ट इस साइड तो आपका 10 रहेगा ये फ्रॉग, इस साइड 4 रहेगा चौड़ाई, और जो डेप्थ रहती है ना इसकी 1 से 2 सेंटीमीटर के करीब रहेगा, 10 से 20 mm, ध्यान रखना इस बात को। चलिएगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात हो रही है और फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है नॉर्मली मिनिमम कितना होता है या होना भी चाहिए, तो हम कहेंगे कि सर कितना होना चाहिए बताओ जरा, ठीक है ना, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक इज शुड बी, सर सुन लीजिए मेरी भी बात, निधि मौर्य क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट इनका कमेंट दिखाओ, सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे, अच्छा स्टेटमेंट वाले, अरे स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन इन्हीं से तो बनेंगे, और अभी तो आपका जो है ना पूरा दिसंबर है, पूरे दिसंबर में आप करोगे क्या, यही करते रहोगे क्या आप बेसिक लेवल के? ये तो अभी बेसिक से मॉडरेट चल रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। आपने ऐसा ही SSC JEE में भी किया था, यही तरीका इसमें भी रहेगा, अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा तरीका हमेशा रहता है कि पहले लीजी टू मॉडरेट चलते हैं, फिर आपके जो टफ क्वेश्चन है उन पर हम आते हैं, समझ गए बात को, समझ गए। चलो जी, तो ये है जी आपका क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्या है फर्स्ट क्लास ब्रिक का है, सेकंड क्लास का ये होता है, थर्ड क्लास में ये आता है, ठीक है। इंजीनियरिंग वर्क में कौन सा पेड़ आप यूज करते हैं भाई, किस तरह का ट्री यूज किया जाता है और किसका लिमिटेड यूज है, ये भी आपको बताना है, बताओ। निंजा ट्रेंड, सर मैं डिप्लोमा 5th sem का स्टूडेंट हूँ, तो अभी से आपका स्टील वाले लेक्चर से SSC की तैयारी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते यार, हैं उतना डिटेल तुमने पढ़ लिया ना, 5th sem होने के बाद भी अगर आपने उतना डिटेल पढ़ लिया तो आप तो पहले तो 5th sem में ही टॉप करोगे, स्टील में क्लास 1 पे जाओगे, और यहाँ तो तुम करोगे एग्ज़ाम में, तो अरे सच है,
उतना डिटेल पढ़ने के लिए एक तो तुम्हें बैठना पड़ेगा, दिमाग की इंद्रियों को खोलना पड़ेगा बढ़िया से, ज्ञान इंद्रियों को। तो ये एक्जोजीनियस ट्री है डियर स्टूडेंट, जिसका बहुत अच्छे से यूज है आपके इंजीनियरिंग वर्क में। यही तो है आपका एक्जोजीनियस और डेसिडियस और हार्डवुड और सॉफ्टवुड, डेसिडस और कॉनिफर, इसका बहुत कम यूज है। हम लिख सकते हैं लिमिटेड यूज। इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे कि आप कहेंगे कि बांस, बैम्बू, बांस का पेड़, तो ये आपके थोड़ा बहुत आपके सेटरिंग सुटरिंग में यूज हो जाते हैं, नहीं तो आपका लिमिटेड यूज है। दरवाजे खिड़की थोड़ी बनाओगे बांस से। दूसरा एक होता है पाम का पेड़, ताड़ का पेड़, और एक होता है आपका कैन, ईक का पेड़, कैन। तो ये सब आपके एंडोजीनियस में आ जाते हैं, मैंने कई दफा आपको बताया है। पांच इंद्रियां खोलनी पड़ेंगी। चलो भाई, ईंट बनाते हो आप ना, ईंट बनाते हो, तो ईंट के लिए आपकी चार प्रोसेसिंग लगती है एक्चुअली में। वैसे तो आपको यहाँ पर तीन ही पूछी गई है, तो तीन का ऑर्डर बताओ कि सबसे पहले आप क्या करोगे, फिर क्या करोगे, ऑर्डर बताओ सर। चीड़, चीड़ नहीं बेटा, चंदन कुमार गुप्ता, चीड़ नहीं आता है। चीड़ जो होता है ना, चीड़ हो गया आपका इसमें एंडोजीनियस में, सॉरी एक्जोजीनियस का पेड़ है वो, जिसमें हमारा कॉनिफर्स वाला आता है, उसके नुकीलेदार पत्तियां होती हैं उस पेड़ की, ठीक है ना। चलिए चलो, तो हम कहेंगे कि सर सबसे पहले तो हम करेंगे भाई वेदरिंग, पानी पुनी डालोगे, उसके बाद ले जाओगे आप पग मिल में, उसको घुमा घुमा के आटे की तरह गूंदोगे। तो दूसरा स्टेप ये है टेम्परिंग। टेम्परिंग के बाद नीचे से तुम्हारा जो है वो गूंद के बाहर आ जाएगा, तो उसको शेप में डालोगे, मोल्डिंग करोगे, सांचे में डालने के बाद उसको बाहर लाओगे, तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा ड्राइंग होगा, सुखाओगे। सुखाने के बाद उसको क्या कहोगे, ऐसे ही रहने दोगे, नहीं, उसकी हार्डनेस आने के लिए आपको बर्निंग करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, भट्टियों वगैरह में लगाना पड़ेगा, क्लीन में। तो ये है स्टेप एक्चुअली में, पहला, तीसरा, दूसरा, फिर ड्राइंग, फिर बर्निंग। तो ये है स्टेप, तो पहला, तीसरा और दूसरा। कोई ऐसा बालक जिसने गलत किया हो, ये या डिप्लोमा एंड होने के बाद, अरे यार कर लो टाइम मिल रहा है तो, मैं तो ये कहूँगा अगर टाइम मिल रहा है तो स्टार्ट कर लो, ना करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, वहीं से अच्छा पढ़ के आ जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सर ग्रो इनवर्ड आउटवर्ड समझा दो, चलो मैं समझा देता हूँ। देखो ग्रो इनवर्ड और आउटवर्ड क्या होता है, देखो ना भाई, आपका ट्री की अगर मैं बात करूँ ना, ट्री की बात करूँ, तो एक होता है आपका एंडोजीनस ट्री, और एक होता है आपका एग्जोजीनस, समझाया था मैंने आपको वैसे, एग्जोजीनस ट्री। एंडोजीनस के जो आपके ग्रेन है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, सॉरी इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, ग्रेन इनवर्ड ग्रो। इनवर्ड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट की जो कोशिकाएं हैं, जो ग्रेन है वो आपके इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, इनकी खूब लंबाई होगी, ऐसे तो लंबाई ज्यादा पाई जाती है। इनमें क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं ग्रेन आउटवर्ड, तो ये फैल जाते हैं, ऐसे ग्रो करेंगे तो फैल जाएंगे, चौड़ाई ज्यादा होगी इनमें, इनकी कंपैरिजन में, ठीक है, लंबाई इनकी ज्यादा होती है। जैसे कि आपका बांस हो गया, बैम्बू हो गया, कैन हो गया, ईक, पाम, ताड़ का पेड़ हो गया, ये सब इसमें आते हैं। एंडोजीनियस में दो आते हैं दोस्तों, एक आता है आपका डेसिडस, और एक आता आपका दूसरा कोनीफर्स। वो पेड़ होंगे जिनकी पत्तियां, लीव्स, नुकीलेदार होंगी, निडिल शेप होंगी, नुकीलेदार। डेसिडस वो पेड़ होंगे जिनके पत्तियां ब्रॉड होंगी, चौड़े पत्ते होंगे, ब्रॉड लीव्स, ऐसे पहचान, जैसे कि टीक आता है आपका, टीक, शाल, शगुन, है ना, शीशम, ये सब इसमें आता है। कोनीफर्स में आपका चीड़ आता है, देवदार आता है, इनके पेड़ देखने को मिलते हैं आपके नुकीलेदार शेप के। समझ गए बात को, कोई समस्या किसी को नहीं है सर। एग्रीगेट ऑक्यूपाई द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट, बेटा आप जानते हैं कंक्रीट जो बनता है एक पेस्ट है, जिसमें कि सीमेंट,
प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट और प्लस आपका पानी लगता है। इनडायरेक्टली अगर हम कहें पानी और सीमेंट को छोड़ के और क्या है, एग्रीगेट ही तो है। देखा यह गया है कि 70-80% उसमें केवल एग्रीगेट लगता है, उसमें दोनों आ गई है फाइन और कोर्स एग्रीगेट बाय परसेंटेज बाय वेट, ओके वॉल्यूम सॉरी बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ स्टेज इन डन इन द कॉन्क्रीट प्रोडक्शन, तो आप तुरंत जवाब करेंगे कि सर कितने प्रोडक्ट कितने लगते हैं, तो नंबर ऑफ स्टेज डन इन कॉन्क्रीट प्रोडक्शन, तो आप तो तुरंत जवाब कर देंगे सर बहुत ही बढ़िया से कि सर ये हो जाएगा आपका, कोनिफर्स को सॉफ्टवुड कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। जवाब करेंगे नंबर ऑफ स्टेज डन इन द कॉन्क्रीट प्रोडक्शन, कितने स्टेज होते हैं, किसी का जवाब नहीं आया यहां पर। डियर स्टूडेंट जब हम कॉन्क्रीट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले आता है आपका बैचिंग, नाम तो सुना ही होगा है। दूसरा आता है आपका मिक्सिंग, तीसरा आता है आपका दोस्तों मिक्सिंग के बाद प्लेसिंग, प्लेस नहीं प्लेसिंग से पहले एक और आ गया ना सर, बैचिंग मिक्सिंग ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट करोगे, चौथा आएगा सर प्लेसिंग प्लेसिंग, पांचवा आएगा सर प्लेसिंग के बाद कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन के बाद छठवां आएगा सर फिनिशिंग, और छठवां आएगा आपका सातवां आएगा आपका लास्ट सर क्योरिंग तराई। तो ये स्टेप ना होते जब तक तो गड़बड़ हो जाता है, ये सात स्टेप आपको करनी पड़ेगी, सात स्टेप तो आपको करना पड़ेगा। अभी मीना बेटा छह कहाँ पढ़े आपने, कौन है छह, राकेश बेटा पांच, दो कौन से गायब कर दिए, गजब है भाई साहब तुमने नाम डुबा दिया सिविल इंजीनियरिंग। तो बैचिंग का मतलब होता है सारे इंग्रेडिएंट को आप मेजरमेंट करेंगे, मिक्सिंग कर दोगे सबको, ट्रांसपोर्टिंग कर दोगे जहां ले जा रहे हो, प्लेसिंग कर दोगे उसको फेंकोगे एक डेढ़ मीटर की हाइट तक, डेढ़ मीटर की हाइट से ऊपर से नहीं छोड़ना नहीं तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। कॉम्पैक्ट करोगे क्योंकि एयर वॉइड्स नहीं रहने चाहिए, सारा का सारा कॉम्पैक्ट होना चाहिए अच्छे से। कॉम्पैक्शन के बाद ये देखा जाता है कि उसमें आपकी इरेगुलरिटी आती है सरफेस में, उसको स्मूथ करना है फिनिशिंग, और क्योरिंग फिट तराई तो देनी देनी है। तो बालकों गजब हो गया, कौन थे वो बालक, इनको जरा आज जो है काला पानी की सजा करार दी जाए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच लिंक इन ईच ऑफ द रेवेन्यू चेन, सबसे पहली बात तो रेवेन्यू चेन कितने मीटर कितने फिट में आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लिंक के जो एक लिंक कितने मतलब कि एक चेन में कितने लिंक होते हैं नंबर ऑफ लिंक, तो वहां से एक लिंक का जो है दूरी मिल जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था ना, चलो जवाब करो इसका, बताइए जी। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्योंकि जवाब उसी का सही होने वाला है जी, मैं बता दूं आपको जवाब उसी का सही होने वाला है जो इसमें जवाब करेगा बढ़िया से, मतलब जिसको पता होगा। बेटा यहां पर ना आपको पता होना चाहिए एक्चुअली में कहानी क्या है। देखो यार तुम लोग भूल क्यों जाते हो, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, तो भूल क्यों जाते हो तुम। देखो सबसे पहला आता है ईसी इंजीनियर चेन, 100 ही लिंक होंगे, एल फॉर लिंक, 100 ही लिंक होंगे, और इसकी लंब फिट भी जो होगा 100 ही फिट की होगी, ध्यान रखना बात को। जब हम बात करते हैं गंटर चेन, जीसी जी यू एन टी आर गंटर चेन, 100 ही 100 लिंक होंगे, लिंक तो 100 होंगे लेकिन ये 66 फिट की होगी दोस्तों। अब आते हैं रेवेन्यू चेन, हमारा सवाल रेवेन्यू चेन से था, रेवेन्यू चेन राजस्व जरीब, गरीब मत कह देना जरीब, इसको जरीब कहते हैं, कई लोग हिंदी वाले अंग्रेजी को जो पढ़ते हैं या अंग्रेजी वाले हिंदी में पढ़ते हैं तो गरीब कह लेते हैं इसको जरीब। तो रेवेन्यू चेन राजस्व चेन जो है डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो यह है इसकी जो लंबाई होती है 33 फीट की होती है, 33 फीट में होगी। और हम बोलेंगे कि सर नंबर ऑफ लिंक कितना होता है, तो नंबर ऑफ लिंक जो होते हैं इसमें ये होते हैं सर 16 लिंक, तो क्या बता नहीं सकते कि एक लिंक कितने मीटर का होगा।
अरे एक लिंक कितने का होगा सर? 33/16 करोगे तो आपको मिल जाएगी लेंथ ऑफ द ईच लिंक, क्या लेंथ ऑफ एक लिंक या ईच लिंक, कितना छोटा क्वेश्चन था बताओ। तो हम बोलेंगे सर 16 × 2 = 32, वैसे ही दिमाग लगा देते हम कि 2 से ज़्यादा ही होगा, ये 2.0625 फिट में आ जाएगा क्योंकि सारी कैलकुलेशन फिट में चल रही है। तो हम कहेंगे कि सर ये है आंसर 2.0625 फिट, यही किया था सभी ने, कोई ऐसा बालक जिसने ना किया हो, ये कोई ऐसा बालक जिसने ना किया हो तो जवाब करेंगे उसको हम पुरस्कृत करेंगे आज। फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग द आरएल कैन बी गिवन बाय, देखो आरएल क्या होता है, आरएल एक हाइट है, एक हाइट है कहाँ से, जो कि नोन है आपको कहाँ से, एमएसएल से। तो आरएल निकालने के लिए आप क्या करते हो या स्टूडेंट, तरीका क्या है आरएल निकालने का किसी दूसरे पॉइंट का, तो आप जवाब करेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर आपको पता है तो उसमें से अगर आप फोर साइड को अगर माइनस कर दें, ध्यान से जवाब करना, गलत मत करना जल्दीबाजी में, गंटर चैन, हाँ नहीं नहीं कही थी, ठीक है चलो। यहाँ पर मार रहे हैं लोग बहुत ही भीषण तुक्का मार रहे हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से बैक साइड माइनस कर देंगे तो सर हमें मिल जाएगा आर एल, गजब हो गया सर। आर एल इज इक्वल टू, आप बोलते हैं सर हमने जरूर पढ़ा है, हमने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा है सर कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जब निकालना हो कभी जीवन में, तो हमने पढ़ा है सर कि आर एल प्लस हम आर एल में जोड़ते थे बैक साइड, यही जोड़ते थे क्या? और अगर कभी जीवन में आपको बस भूले बिसरे में अगर आपको आर एल चाहिए होगा तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आप बैक साइड कर सकते हो, तो ये तरीका तो आपने रटा हुआ है, हो गए ना कॉन्सेप्ट, ऐसे 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 हो गए, गजब हो गया सर। अब सवाल ये है कि सर करें क्या, हमारे पास ये भी हो सकता है और फोर साइड भी हो सकता है माइनस, है ना। आर एल निकालने के लिए डियर स्टूडेंट, आर एल वैसे तो गिवन रहेगा आपको, और कभी निकालना पड़े वैसे तो आर एल, ठीक है चलिए। खैर डिफेक्ट इंडिकेटेड बाय द कर्वेचर फॉर्म्ड इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है ना कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन कैसे, फिगर से समझाऊंगा। चलो ठीक है ना, चलो फिगर के हिसाब से देखा जाए तो आपका इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड भी हो सकता है, ठीक है ना। स्टूडेंट कप होगा या, देखो ये दो तो है नहीं भाई, या तो बो में कंफ्यूज होंगे आप, ये तो कप में होंगे, कप कप शेक है ना, चाय कप है। चलो बता देते हैं आपको डिफेक्ट, ये एक्चुअली में सीजनिंग का डिफेक्ट है ये, तो देखिएगा ट्रांसफर डायरेक्शन में ये वाला है दोस्तों कप वाला, ये देखिए ट्रांसफर वाला चौड़ाई के लॉन्ग जो है, चौड़ाई का लॉन्ग, और जब हम लेंथ के लॉन्ग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो ये लेंथ के लॉन्ग है डियर स्टूडेंट, बो बी ओ डब्ल्यू, वो नहीं पूछा गया था आपसे, कप पूछा गया था आपको, चाय का कप है, चाय का कप, तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा कप, कप है ये। चलिएगा इस फुटिंग को देखकर आपको क्या फीलिंग आती है सर, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, अरे आंसर बताओ, बहुत अच्छी आती है। बो ट्विस्ट हो जाता है, नहीं नहीं बो अलग चीज है, ट्विस्टिंग अलग चीज है, कैसे समझाऊं मैं तुमको, ट्विस्टिंग बिल्कुल अलग है, ट्विस्टिंग तो यार ट्विस्ट है फारा फायर में, बो भी आपका कर्वेचर है और आपका कप भी कर्वेचर है, एक आपका विड्थ के अलोंग है एक लेंथ के अलोंग है।
ठीक है, आगे बढ़े। तो हम कहेंगे सर ये ग्रिलेज फुटिंग है एक्चुअली में, यहाँ पर हमने स्टील के गर्डर लगाए हुए हैं, मजबूती के लिए यूज करते हैं हम एक्चुअली में इसको भी एक्चुअली में। तो यहाँ पर आपके स्टील के बड़े बड़े खूब गर्डर हो रहे हैं, आई सेक्शन यूज हो रहे हैं लोड को खूब अच्छे से ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। इसको फर्स्ट टायर कहेंगे। यहाँ पर बेस प्लेट भी लगी होती है स्टील का, एंगल क्लीट आपके लगे होते हैं, यहाँ पर गसेट प्लेट लगी भी होती है, फिर स्टील के कॉलम है। तो जहाँ पर आपका स्टील का लोड, स्टील कॉलम का लोड ट्रांसफर करना हो वहाँ पर करते हैं हम, ठीक है। समझ रहे बात को, समझ रहे ना, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रिलेज फुटिंग है, ये क्या है दोस्तों, ग्रिलेज फुटिंग है जी। तो ये हो गई बात आपकी ग्रिलेज फुटिंग की, ओके। और नाम तो सुना ही होगा सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ई, नहीं सुना है तो सुन लो बेटा आज, और नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो डियर जी। यही है जो तुम्हें एग्जाम को पास कराने में मदद कर सकता है, सुटेबल फॉर द हैवी लोड। हाँ बिल्कुल, चलो जी। थिक्सोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपको समझाई थी, है ना। मिट्टी को निकाला, उसकी स्ट्रेंथ पहले लूज हुई, फिर धीरे धीरे उसको ऐसे छोड़ दिया, फिर अवस्था में धीरे धीरे उसने स्ट्रेंथ गेन करी, तो वही तो है, यही तो खेल है कि नहीं, मानते हो बात को। बहुत सुने हैं सर, सुने हो, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले आपका स्ट्रेंथ लॉस होगा, फिर स्ट्रेंथ गेन होगा, यही प्रॉपर्टी कहलाएगी आपकी। ये लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप क्या समझते हैं दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ, बताओ बताओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम द, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली में क्या है, एक जिप्सम ही तो है, CSO4 जिप्सम ही तो है ना। तो ये है आपका एक्चुअली में, ये जिप्सम की बातें हो रही है दोस्तों, चलेगा। क्लोज कंटूर विद हायर वैल्यू इनसाइड, बेटा अगर आपकी हायर वैल्यू इनसाइड है, हायर वैल्यू इनसाइड का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर 100 है, ये 200 है, ये 300 का कंटूर है, इसका मतलब हाइट बढ़ रही है क्या, इसका मतलब हाइट बढ़ रही है, ये हिल का है कि डिप्रेशन का है, हैं? वेरी गुड। तो हम कहेंगे कि सर एक्चुअली में नॉन टेक नहीं है क्या सर, नॉन टेक, पहले क्वेश्चन करते हैं आप टेक्निकल के, मैं ये टारगेट लेके चल रहा हूँ आज कम से कम 120-130 क्वेश्चन हम करें टेक्निकल के, 90 तो छोड़ो आप, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर नॉन टेक भी कर देंगे, लेकिन 120 से ऊपर क्वेश्चन करने का टारगेट है मेरा आज, ठीक है। चलो, तो हिल की बातें हो रही हैं, ये कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे, कुछ आपके अच्छे भी हैं, कुछ आपके टेबल बेस्ड हैं, कुछ आपके मेमोरेबल बेस्ड हैं। तो बताओ यहाँ पर आपको वॉइड रेशो आपको दिया गया है, वॉइड रेशो ऑफ द सॉइल सैंपल हैविंग द पोरोसिटी 0.32, मॉइस्चर कंटेंट आपको दे रखा है, मतलब कि वाटर कंटेंट भी दे रखा है, वॉइड रेशियो आपको निकालना है दोस्तों, और यहाँ पर आपको पोरोसिटी एन का वैल्यू दिया है। कैसे करें हम यहाँ पर, क्या दिमाग लगाएं सर, मेरा तो दिमाग लग नहीं रहा, मेरा तो दिमाग सुन हो गया, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी यार, जानबूझ के आपको कन्फ्यूज किया गया है। जब आपको एन गिवन है 0.32 का, तो आप एक रिलेशन तो चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं कि सर एन अपॉन वन माइनस एन होता है सर, एक फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, इज इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन, जबरदस्ती कन्फ्यूज कर ले दे रखा है जो, और तुम बच्चे बेचारे नादान कन्फ्यूज हो ही गए, 0.32 वन माइनस 0.32, तो अब जवाब करो, यहाँ से ई निकल जाएगा, तुम बच्चे बेचारे नादान 0.47। चलो देखिए यार, एक्चुअली में ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए अगर मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हम कहते हैं, लेकिन कभी कोई डेप्थ पर पूछ ले आपसे क्वेश्चन, है ना, डेप्थ पर पूछ ले, तो दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है वेट प्रोसेस और एक होती है ड्राई प्रोसेस।
तो वेट प्रोसेस यहाँ पर पूछा गया, तो वेट प्रोसेस में ज़्यादा लगता है टेम्परेचर, कितना ज़्यादा सर? तो वो लगता है 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वेट प्रोसेस है, ये क्या है? वेट प्रोसेस। और कभी आपको जो है पूछा जाए कि सर ड्राई प्रोसेस में कितना लगता है, तो थोड़ा सा कम लगता है दोस्तों। तो ड्राई प्रोसेस का टेम्परेचर है, दो प्रोसेस होती हैं, तो यहाँ पर जल्दीबाजी में गलत ना करें, 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड ये सही होगा इसमें। और मुझे पता था एक्चुअली, मैं आप लोग जो हैं जल्दीबाजी में गलत तो करोगे, 1400 से 1500, 1500 से 1600 ये आपका टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। और ब्रिक का 900-1200 रहता है, हाँ सही बात है, ठीक है जी, चलेगा। ब्रिक का सही कहा है, किसने कहा था? राकेश जी ने कहा था, बिल्कुल सही बात कही है। मोर स्केल का यूज आप करते हैं क्या डिटरमाइन करने के लिए? तो मोर स्केल आप एक हार्डनेस स्केल भी कहते हैं इसको, तो हार्डनेस के निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हम तुरंत कहेंगे सर हार्डनेस निकालो इससे, ये हो गया सर गजब। प्रिंसिपल केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द आर्गिलेशियस रॉक, आर्गिलेशियस रॉक होता है, कैलिक्रियस रॉक होता है, सिलिशियस रॉक होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग रॉक में अलग अलग चीजें प्रीडोमिनेट होती हैं। जैसे आर्गिलिशियस है तो आर्गी का मतलब क्ले होता है, एल्यूमिना वाला जो पार्ट है ये इसमें प्रीडोमिनेट होगा, Al2O3 वाला पार्ट प्रीडोमिनेट होगा दोस्तों, ठीक है चलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पर मैं आपको देता हूँ 5000 रुपये का इनाम। देना तो है नहीं आपने गुरु है, नहीं इस क्वेश्चन पर सच में 5000 रुपये का इनाम लो। सॉफ्टर रॉक टॉक एंड हार्डेस्ट रॉक डायमंड, बिल्कुल सही बात है, सबसे हार्डेस्ट रॉक जो है डायमंड आती है, डायमंड का जो डायमंड एक प्रीसियस आपका स्टोन है, हाँ कीमती एक पत्थर है। तो सबसे पहला जो जवाब आया, वैसे मैंने इसका लॉ एक इलीगल तरीका बताया था, लीगल तो जरूरत नहीं है यहाँ पर पढ़ने की, इलीगल तरीका बताया था। हाँ वो क्या था देखो, डिक्लिनेशन तो आप सब लोग जानते हैं, डिक्लिनेशन क्या होता है, सर्वेइंग का क्वेश्चन है ये, ये क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट सर्वेइंग का है। अगर आपसे बोला जाए कोई लाइन आपने बनाई है, इस लाइन के हर एक पॉइंट पर जो डिक्लिनेशन है वो सेम है, अगर सेम डिक्लिनेशन कहोगे तो इसको कहते हैं आइसोगोनिक। और अगर हम कहें कि एक लाइन आपने डिनोट की है जिसमें कि हर एक पॉइंट पर जीरो डिक्लिनेशन दिखा रहा है, तो जीरो डिक्लिनेशन की जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसको कहते हैं हम एगोनिक लाइन। अब इलीगल तरीका क्या है, भले आपको इन ये तो वैसे भी नहीं था, ये आपको पता था, इन दोनों में कन्फ्यूज रहते हैं, तो आपको याद रखना है इलीगल तरीका क्या है याद करने का, मैंने पहले भी समझाया था आपको, एस जहां पर होगा, आइस फॉर आइसोगोनिक और एस फॉर सेम। तो डियर स्टूडेंट एस फॉर सेम डिक्लिनेशन एंड एस फॉर एगोनिक में तो एस दिख नहीं रहा है, तो आप इस तरह से याद यूज कर सकते हैं। तो इस समय आप देखेंगे पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन मतलब आइसोगोनिक नहीं होगा, अभी होगा आपका एगोनिक लाइन, तो बी ऑप्शन है इसमें। फिर से गाना लग गया ना, म्यूजिक के साथ आनंद लेते हुए आज के छात्र हमारे चले आगे। चलिए टिम्बर पढ़ते हैं ना आप, टिम्बर में सीजनिंग होती है, सीजनिंग का मतलब समझते हैं कि जो पानी रहता है उसमें मॉइस्चर उसको रिमूव करना है, ठहरा गए, तो सीजनिंग है। तो सीजनिंग के लिए कोड आता है, पर्टिकुलरली उसी के लिए स्पेसिफाई है, तो 1141 है वो, कौन सा कोड है शायद आप जानते रहे होंगे, मैंने आपसे पहले ही जवाब कर दिया इसका, IS कोड 1141। प्लीज सर बताओ, चलने दो सर, क्या गाने से कोई डिस्टर्ब तो नहीं है भाई, गाने से कोई डिस्टर्ब तो नहीं है भाई, तो गाना बंद कर दें, गाने से कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, गाना बंद कर दें, लो बंद कर दिया, देख रहे हो जादू हमारा, यहीं से बंद कर दिया गाना। IS कोड 1141-1958। व्हाट ट्रीटमेंट इज अडॉप्टेड फॉर मेकिंग द टिम्बर
सर बंद नहीं हुआ गन, सर बंद नहीं हुआ गन। फायर रेजिस्टेंट के लिए एक प्रोसेस हम पढ़ते हैं यहाँ पर, कौन सी है वो? फायर रेजिस्टेंट बनाना है टिम्बर को। सर गाना बंद क्यों नहीं हुआ, आपने तो बंद किया था। अरे मैं मजे ले रहा था एक्चुअली, मैं गाना बंद हो ही नहीं सकता, मेरे हाथ में आई नहीं, बगल में शादी हो रही है, मैं क्या करूँ उसमें, इसलिए जो है मेरी आवाज़ सुन रहे हो बस इसी का मजे लो, साथ साथ में बैकग्राउंड में म्यूजिक का भी आनंद लेते रहो और पढ़ते रहो, आंसर को देखते रहो सुनते रहो। फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है डियर स्टूडेंट। वैसे तो हम जानते हैं कि टिम्बर को हम कितना भी चाहें, टिम्बर तो टिम्बर है, लकड़ी तो लकड़ी है, आग तो लगेगी, लेकिन हाँ कुछ हद तक हम उसमें प्रतिरोध बना देंगे कि जल्दी ना लगे आग, तो उसके हम कुछ सॉल्यूशन में मिलाते हैं फिर निकालते हैं तो फायर रेजिस्टेंट बन जाता है। सर एबल प्रोसेस उसको बनाता है। चलिए गजब हो गया सर। देखो भाई बैचिंग के दो मेथड आते हैं, एक आपका आता है वेट बैचिंग और एक आता है वॉल्यूम बैचिंग। बोला है कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, देखो भाई साहब वॉल्यूम बैचिंग या वेट बैचिंग? देखो यार बैचिंग का मतलब होता है मेजरमेंट, आप सब लोग भी जानते हैं, मतलब कि इंग्रेडिएंट को मेजरमेंट करना, लेकिन मेजरमेंट करते हुए आप बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं बाय वेट भी करते हैं, लेकिन ये थोड़ा बदमाश टाइप का बैचिंग है वॉल्यूम वाला। क्यों? क्योंकि इसमें एक समस्या पैदा होती है। कौन सी समस्या? इसमें एक समस्या पैदा होती है प्रॉब्लम, और उस समस्या को कहते हैं हम बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड मतलब कि सैंड के वॉल्यूम में आपका कुछ वॉल्यूम में इंक्रीज होना, सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज होना, फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम इंक्रीज होना, तो पहले और बाद के मेजरमेंट में कुछ डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से हमें एरर देखने को मिलता है, इसलिए इसको स्मॉल स्केल पर यूज किया जाता है, छोटे स्तर पर यूज करते हैं। वेट बैचिंग में ऐसे कोई समस्या नहीं है, इसलिए हम इसको एक्यूरेट भी मानते हैं, सबसे एक्यूरेट भी यही होगा, आंसर यही है, और इसको लार्ज स्केल पर यूज करेंगे, बड़े स्तर पर इसका यूज किया जाएगा, बड़े प्रोडक्शन वर्क में, प्रोडक्शन में आप यूज करेंगे। तो बी ऑप्शन था दोस्तों। अच्छा आपको पता है कि हम कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं? कंक्रीट के अंदर डियर स्टूडेंट, ये कंक्रीट है, ये आपका कंक्रीट का सरफेस है, ऐसे ही तुम्हारे बड़े बड़े एग्रीगेट हैं, छोटे छोटे एग्रीगेट हैं, इनके वॉइड्स हैं, ये वॉइड्स में क्या होगा? पानी, एयर होगा, हवा होगी या पानी होगी। आपने अगर ऐसे भुरभुरा छोड़ा तो अंदर एयर होगी, वो लूज रहेगा, तो ऐसा आपका स्ट्रेंथ नहीं देगा ये। अगर इसको खूब कॉम्पैक्ट करोगे बढ़िया से तो ये आपके सारे एयर वॉइड्स क्या होंगे? एक्सपर्ट होंगे और ये परफेक्टली डेंस कॉन्क्रीट बन जाएगा, मजबूती ज्यादा होगी। लेकिन हमें पता ये भी होना चाहिए कि 5% अगर एयर वॉइड्स होते हैं तो आपको पता है कितनी स्ट्रेंथ घट जाती है? वो 30% से स्ट्रेंथ घट जाती है। क्या आपको पता है कि 10% एयर वॉइड्स होते हैं तो 60% से डायरेक्टली स्ट्रेंथ घट जाती है? ये भी ध्यान रखना है। आगे आपका हाइड्रोलिक मशीन का एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन। मोस्ट कॉमनली यूज पंप फॉर द लिफ्टिंग वाटर है? बताओ डियर स्टूडेंट, मोस्ट कॉमनली यूज पंप फॉर द लिफ्टिंग वाटर इन द वाटर सप्लाई मीन्स, वाटर सप्लाई मीन्स जनरली यूज होने वाला पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप है
ये सेंट्रिफ्यूगल पंप है। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला तो आपका ये होगा या ये होगा। वाटर सप्लाई में सेंट्रिफ्यूगल पंप एक्चुअली में देखा गया है ना, ये जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है इसकी भी कुछ खासियत है। क्या है खासियत, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये जो है हाई, मतलब कि लो डिस्चार्ज हाई हाइट लो डिस्चार्ज पर आपका काम करता है। जैसा आपने देखा होगा गदर पिक्चर, देखिए गदर पिक्चर हैंड पंप में होता है, गदर पिक्चर देखिए, तो गदर पिक्चर में जो पंप जो उखाड़ता है ना, कौन, सनी देओल जी, ऐसे वही वाला पंप है। जैसे आपके पेट्रोल जो आपके हैंड पंप होते हैं, हैंड पंप उखाड़ता है ना, तो इसी में आता है। उसमें देखा होगा आपने कि जब आपकी उसकी बोरिंग होती, कभी उसको ओरिजिनेट होते हुए देखा होगा, कंस्ट्रक्ट होते हुए, तो बहुत लंबे लंबे पाइप जाते हैं, तो हाई हेड होता है, ये हेड तो खूब ज़्यादा होता है लेकिन पानी कमी तो आता है। तो वही बात है, बात वही है, खोदा पहाड़ और निकला क्या आम है, ये क्या बात हुई सर। द रेशियो ऑफ द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द अनडिस्टर्ब्ड सॉइल टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल रिमोल्डेड सॉइल, मतलब कि क्यू यू अनडिस्टर्ब्ड टू द क्यू यू रिमोल्डेड, मतलब अनडिस्टर्ब्ड का मतलब जो डिस्टर्ब नहीं हुई है सॉइल, और जो रिमोल्डेड का मतलब जो आपने डिस्टर्ब कर दिया है, जो आपकी एयर एक्यूपाई कर चुकी है, मतलब ठीक है, और ये तुम्हारा डिस्टर्ब नहीं हुई है, तो इसको कहते हैं आप सेंसिटिविटी। क्या ये छोटी छोटी डेफिनेशन जो है याद करते रहो भाई, सेंसिटिविटी इसको कहते हैं। हाँ ठीक है, चलो एक सौ दो, मतलब सौ क्वेश्चन के ऊपर तो पहुंच ही गए यार हम शायद, है ना। वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल मास कैन बी, लेकिन क्वेश्चन नंबर से आप कंफ्यूज मत हो ना, क्वेश्चन नंबर वो गलती से लग गए होंगे, लेकिन सौ के ऊपर वैसे भी पहुंच गया हम। वाइड रेशियो ऑफ सॉइल मास कैन बी, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसके लिए मैं आपको 500 रुपये का इनाम दूंगा आज। तो वाइड रेशियो क्या होता है, इट एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कैन बी जीरो नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी टेक वैल्यू बिटवीन द जीरो एंड यून, बताओ कौन बता सकता है इसका जवाब। देखो वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है दोस्तों, ये कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि डियर स्टूडेंट सॉलिड का मतलब होता है आपका सॉइल का, सॉइल ही कोई मीनिंग नहीं है अगर सॉलिड नहीं है तो, फिर तो हवा है, सॉलिड ही नहीं है इनऑर्गेनिक पार्टिकल तो फिर तो सॉइल ही नहीं है कोई मीनिंग, सॉलिड होने जरूरी है सॉइल के लिए, तो ये तो होगा, ये जीरो नहीं हो सकता। दूसरा कंडीशन वाटर हो सकता है या एयर हो सकता है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड में या तो होगा वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर या तो वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर मैं ड्राई सॉइल कहूँ भैया, ड्राई सॉइल कहूँ तो आपका कंप्लीटली ये जीरो हो जाएगा, तब भी आपका ये वाला तो रहेगा ही ना, तो मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका उस दौरान रह जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर, ठीक है। मैं कहूंगा कि अगर आपकी फुली सैचुरेटेड सॉइल है उस दौरान आपका ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, टोटली वॉल्यूम ऑफ वाटर का ऑक्यूपाई कर देगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड उस दौरान आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा, मतलब कि इट कैन नॉट बी जीरो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैन नॉट बी जीरो,
है कि नहीं? जीरो नहीं हो सकता है भाई, कुछ भी कर लो आप जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में आप इतना पानी बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड में अब आप हमारे पास बढ़ाने के लिए एक ही मात्र उपाय है, कौन सा सर? ये वाला, आप पानी को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इतना सारा बढ़ाते जाओ इतना सारा बढ़ाते जाओ कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है सॉलिड के बराबर हो जाए। हो तो सकता है ना, एक दौरान खूब बढ़ा दो तो आपका ये वन हो जाएगा, उस दौरान आप और बढ़ा दो ग्रेटर देन वन भी हो सकता है। तो हम इसलिए लिखते हैं कि ई जो है आपका ग्रेटर देन क्या होगा, ई ग्रेटर देन जीरो होगा, ई ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। समझ गए बात? तो जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है ना? टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, विच इज नोन एज द लोअर एज ऑफ द इंक्लाइंड रूफ सरफेस, तो आप तुरंत जवाब करेंगे दोस्तों। डियर स्टूडेंट, आपका कोई रूफ है ना, ऐसा रूफ है कोई, रूफ का जो लोअर एज है स्लोपी रूफ, इसको बोल रहा है, इसको ईब्स कहते हैं हम एक्चुअली में। मैं दिखा देता हूँ आपको, फिगर में दिखा देता हूँ, ये इसकी बात कर रहा है एक्चुअली में। ऐसा था आपका ये, ऐसा था ये रूफ है, और यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, ये ईब्स इसको कह रहा है, डियर स्टूडेंट ईब्स इसकी बात कर रहा है, ठीक है, ईब्स इसकी बात कर रहा है वो। ये तुम्हारा एक्सटीरियर वॉल है, तो यही कह रहा है वो, तुम्हारा जो इंक्लाइंड जो रूफ था ये वाला ईब्स, इसी की बात कर रहा था डियर स्टूडेंट, वो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। चलिए भाई ध्यान से जवाब करना, विच टाइप ऑफ द रूफ विच स्लोप इन टू डायरेक्शन विद अ ब्रेक इन द स्लोप ऑन ईच साइड, मतलब कि दो डायरेक्शन होंगे ऐसे स्लोप में, एक ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है, ठीक है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। तो गैम्ब्रेल रूफ होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, गैम्ब्रेल रूफ कहते हैं, गैम्ब्रेल रूफ, समझाओ आपको, देखो ज़्यादा देखते हैं, कुछ कुछ फिगर देख लेते हैं। देखो जैसे कि ओपन गेबल है, एक साइड बस, मतलब दो साइड रूफ हो गए, ठीक है ना, एक बॉक्स गेबल होता है, एक डॉर्मर जिसमें डॉर्मर विंडो होगी, एक हिप साइड होती है, हिप में आपका इधर भी स्लोप, उस साइड भी स्लोप, इधर भी स्लोप, इधर भी होगा। एक आता आपका दो साइड जो था ना, देखो जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था, इसमें देखिए दो स्लोप हैं, एक यहाँ पर है और इससे ज़्यादा ये वाला है स्टीप, ज़्यादा स्लोप ये वाला है, तो यही था वो आंसर जो है, बटरफ्लाई तुम्हारा ऐसा, ठीक है ना, फ्लैट वाला तुम्हारा ऐसा, अलग अलग टाइप का, हेक्सागोनल तुम्हारा ये है, और शेड वाला तुम्हारा ये है, कॉम्बिनेशन वाला है, पिरामिड वाला है, कई तरह के, बटरफ्लाई ये है, मेंसर्ड वाला ये है, हाँ अलग अलग टाइप के स्पीकर। मुझे लगता है कि इसके अलावा जीवन में अगर आपका एग्जाम आता है किसी रूप से, इन फिगर्स अलावा कुछ नहीं आता, तो इसलिए इस फिगर को एक बार मद्देनजर रखते हुए इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। एक ओपन गेबल है, बॉक्स गेबल, डॉर्मर वाला, हिप वाला, आपका गैम्ब्रेल वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, गैम्ब्रेल के बाद आपका फ्लैट, तो खैर आप जानते हैं, एक बटरफ्लाई वाला, तो ये याद रखना जो जो मैंने नाम लिखा है आपको, कम से कम ये तो पढ़ने पढ़ने हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, चलेगा, नेक्स्ट कर रहे हैं, मेंसर्ड नहीं होगा जी, वही है वो गैम्ब्रेल है। विच इज द टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर, शटर का मतलब दरवाजे से होता है, फ्रेम पर नहीं है, यहाँ पर फ्रेम होता ना तो अब आपका आंसर होता हेड। देखो मैं पहले एक जगह चौखट बना देता हूँ, ये होता है चौखट, चौखट के अंदर तो ये शटर जमाते हो तुम, तो चौखट में डियर स्टूडेंट इसको कहते हैं हम हेड, ये चौखट है, फ्रेम है, ये कहलाता है आपका सिल, सिल, और इधर तुम्हारा ये वाली जो चीज़ है, इधर तुम्हारे जैम्ब होते हैं, जैम्ब। लेकिन जब हम अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर तुम्हारा शटर होगा ना, इसके अंदर तुम्हारा शटर होगा, तो दरवाजे में जो होता है, ये दरवाजा है, तो दरवाजे में जो हम क्या कहते हैं टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट, तो टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट दरवाजे, शटर की बात हो रही है, तो वो टॉप रेल होगा आपका, टॉप रेल होगा, ये टॉप रेल होगा डियर स्टूडेंट, समझ गए? और ये जो वर्टिकल वाला जो पोर्शन रहता है दरवाजे में, उसको हम स्टाइल कहते हैं, स्टाइल में रहने का है, स्टाइल। चलो जी, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, दोस्तों आपका टॉप रेल होगा आंसर, बी, डी ऑप्शन, समझ गए थे आप, समझ गए बात को, टॉप और अपर मोस्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द फ्रेम इज, अब देखेगा ये क्वेश्चन, देखो फिर से आ गया, मैंने अभी जस्ट पहले कहा था कि फ्रेम है, तो फ्रेम का टॉप मोस्ट पार्ट पूछा जाए तो क्या है बता, चलो इसका जवाब तुम करो, देखते हैं इसका जवाब कौन सही करता है। अगर इसका जवाब जिनका सही आया, इसका मतलब आपका पिछला, आप जो चीज मैंने आपको बताया यहाँ पर, इसमें वो समझ गए। चलो देखते हैं इसमें जवाब कौन करता सही, चलो जवाब करो, क्लास को लाइक कर दो भाई, अगर लगता है आपको लाइक करने लाइक क्लास है तो, लेकिन शेयर जरूर करना, लाइक करो ना करो आपकी मर्जी है,
आपकी आत्मा कहेगी, जवाब करो भाई, इतना काहे सोचते हो। सबसे पहला जवाब आया है जी राकेश जी का, सी ऑप्शन। अभिमीना हेड, गणेश वर्मा, प्रभात, कृष्णकांत, गणेश, मुकेश कुमार। गजब हो गया सर, मतलब समझ गए बात। अगर फ्रेम पे पूछा जाए टॉप तो हेड होगा, शटर पे पूछा जाए तो टॉप रेल होगा। बात को समझ गया। अच्छा ये होल्ड फास्ट क्या होते हैं? होल्ड फास्ट ऐसे लगाए जाते हैं आपके, ठीक है ना, इसको लीजिए, फ्रेम पे लगाए जाते हैं, फ्रेम पे लगाए जाएंगे होल्ड फास्ट, ठीक है ना, ये लगाए जाते हैं। पैनल तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ विंडो द शटर आर अलाउड टू स्विंग अराउंड द पाइबोर्ड? बिल्कुल पिंटू राजपूत जी, हम तो आपके साथ हैं। गजब हो गया है ना, चलो बताओ। पाइवटेड बोला जाता है उसको, देखना चाहोगे? खिड़की को गाड़ के लाए आपके लिए, चलो ला देते हैं, लो ये है वो खिड़की। आपके घर में ऐसा कोई खिड़की कहीं देखा होगा, इंस्टीट्यूट में कहीं पाइवटेड बोलते हैं इसको, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पाइवट होगी, ऐसे उसको बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। कॉलेज टाइम पर मेरे रूम का खिड़की था ऐसा रोशनदान, ऊपर था एक्चुअली में काफी, ठीक है। जम्फर क्या है जी? जम्फर, जम्फर एक टूल है डियर स्टूडेंट, जिसको हम ड्रेसिंग में यूज करते हैं। जम्फर एक टूल है डियर स्टूडेंट, आप स्क्वेरिंग में इसको यूज करोगे या ड्रेसिंग में यूज करोगे या टेस्टिंग और स्टोन, नहीं है, इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं आप, जम्फर और ड्रेसिंग में। सर ये तो पैसे वालों के घर में होता है, गरीब बच्चा नहीं भाई, गरीब बच्चा हूँ, बच्चा हूँ, गरीब बोल बोल के तुमने गरीबी बना दी है। देखो सर, देखो क्वेरिंग, जब स्टोन का क्वेरिंग करते हैं तो कुछ टूल हमारे यूज होते हैं। सबसे पहले देखते हैं जम्फर, इट इज यूज फॉर मेकिंग द होल इन द रॉक। भाई ये पत्थर है, पत्थर में होल करेंगे आप छेद करने के लिए, जम्फर यूज करते हैं आप, ठीक है ना। तो क्वेरिंग के लिए आप इसको यूज करोगे, क्वेरिंग के लिए, स्क्रैप मतलब कि आप ड्रेसिंग के लिए नहीं कह रहे हो इसको, क्वेरिंग के लिए यूज करोगे, ठीक है। इट इज यूज्ड टू स्क्रैप, रिमूव डस्ट। और अब जब आपने छेद कर लिया है तो एक स्क्रैप स्पून होती है, चम्मच टाइप की, उससे वो जो डस्ट है उसको बाहर निकालते हो। एक प्राइमरी नीडल होती है, इट इज यूज्ड टू मेंटेन द होल व्हेन द टैंपिंग इज बीइंग डन। कनेक्टिंग फ्यूज द ब्लास्टिंग मटेरियल, ब्लास्टिंग मटेरियल को आप डालने के लिए यूज करते हैं। टैंपिंग बार, जब आपने ब्लास्टिंग मटेरियल डाल दिया है तो रिफिलिंग करेंगे उसमें होल में। डीपर, जितनी डेप्थ का उसको ड्रिल करना आप चाहें उतना कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये है डियर स्टूडेंट। तो आप कहेंगे सर ये क्वेरिंग का है, जम्फर जो है क्वेरिंग में हो रहा है, ड्रेसिंग में नहीं, क्वेरिंग में हो रहा है जी, समझ गए बात को। चलिए, प्योर लाइम स्टोन आर इंडिकेटेड बाय, प्योर लाइम तो आप जानते हैं भाई, प्योर लाइम जो होता है ना इसमें आपके केवल 5% से कम होती है क्ले इम्प्योरिटीज, बहुत साफ होता है, स्ट्रेंथ कम होती है इसलिए साफ बहुत होता है। इसको हम कहते हैं क्या, इसको एक क्विक लाइम, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं क्या प्योर लाइम को, सर रिच लाइम, रिच लाइम, रिच लाइम कहते हैं सर इसको। दूसरा नाम क्या कहते हैं सर इसको, इसको व्हाइट लाइम भी कहते हैं सर, व्हाइट लाइम, ठीक है। इसको कैल्शियम ऑक्साइड लाइम भी कहते हैं सर, तो इसने सारे नाम है इसके। तो हम कहेंगे सर इसकी सफेदी तो खूब होती है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करेंगे इसका, ठीक है ना, व्हाइट वॉशिंग के लिए इसका यूज करेंगे सर। चलो, 50 ग्राम का सीमेंट बैग है आपका, कितना जो है आपका, सिद्धार्थ बेटा अभी आप मस्त रहो, इसमें खूब टाइम लगने वाला आपके इंटरव्यू में, जहां तक मुझे लग रहा है। अपना पढ़ते रहो, बहुत समय मिलने वाला आपको, शायद हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं, अगर दिसंबर में नहीं होता तो आपको खूब समय मिलने वाला है यूकेपीएससी जेई वालों को, इंटरव्यू वालों को। एक्चुअली मेरा मानना भी यही है यार,
यूकेपीएससी जेई का इंटरव्यू यूकेपीएससी ए के बाद ही होना चाहिए। और जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर ऐसे ही जो है आयोग सोच रहा होगा तो बेटा फिर समझो तुम कि मार्च अप्रैल के बाद होने वाला है तुम्हारा। क्योंकि मेरा सोचना ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो बीटेक वाले भी होंगे, डिग्री वाले भी होंगे और डिप्लोमा वाले भी। तो डिग्री और डिप्लोमा दोनों वाले जो होंगे, दोनों रखते होंगे जो, तो वो उनमें से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो एई में भी क्वालिफाइड हुए होंगे रिटर्न में, और जेई में भी आपके रिटर्न में क्वालिफाइड होंगे। तो मुझे बताओ किसको प्रिफ्रेंस देगा वो? एई को देगा ना। अगर एई वालों के इंटरव्यू पहले होते हैं तो जो इस तरह का विद्यार्थी होगा जो दोनों में सेलेक्ट हुआ है, तो सीट किसकी लेगा? एई की। तो जेई वाले खाली बच गए ना, जेई वाली खाली हो गई ना सीट। तो अगर आपका जेई का पहले हो गया इंटरव्यू तो वहाँ सीट खाली हो जाएंगे फिर वहाँ से, इसलिए पहले एई का होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जितनी सीट खाली रहेंगी तो कम से कम जो बच्चे कम मेरिट वाले होंगे तो वो उसमें भर सकेंगे, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, है ना, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए। अब आगे क्या होता है, कैसे होता है ना, इस बार इंटरव्यू में बहुत सख्ती है सर, बहुत गोपनीय तरीके से हो रहा है। हाँ वही तो, अब पता नहीं गोपनीय हो रहा है या क्या हो रहा है, वो तो तुम भी नहीं जानते। ठीक है, 22.5 को लेते हैं यार, 22.5 लीटर लेते हैं लगभग, है ना, 18.5 कौन कह रहा है, क्योंकि एक्चुअली में 38% तो लेते हैं लेकिन उसके ऊपर जाता है वो 0.4 पॉइंट, ठीक है ना। तो लाइफ टाइम ऑफ द मॉडरेट टिम्बर, एक्चुअली में 10 साल से ज़्यादा है किसी का तो हाई मॉडरेट, हाई ड्यूरेबल, 5 से 10 में है तो मॉडरेट हो जाता है। ड्राफ्टमैन का भी ऐसी बात है, ठीक है। चलो जरा, अब जरा भाई क्रैकिंग बताओ आप, जब आपके टिम्बर में क्रैकिंग पड़ती है तो जो क्रैकिंग होती है, द क्रैक विच एक्सटेंडेड फ्रॉम द बार्क टुवर्ड्स द सैपवुड इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्री आर कॉल्ड एज हार्ट शेक, कहते हैं उसको, रेडियल या स्टार शेक, बताओ जरा। इस फिगर को देखना चाहेगा आप, इस फिगर को देखना चाहोगे, ये है फिगर आपका, ये है ऐसा फिगर, ऐसा था ये फिगर। तो ये आपका हो क्या रहा है डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में मैं दिखाना चाहूँगा आपके कि आउटर बार्क इनर बार्क बोले अंदर पित्त तक नहीं पहुँचा है, ऐसे कुछ फट रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं दोस्तों, ऐसे देख रहे होंगे आप, इसको स्टार शेक कहते हैं एक्चुअली में, हम स्टार शेक है ये, ठीक है, स्टार शेक है दोस्तों ये। तो ये क्या है आपका स्टार शेक, यहाँ पर लिखा भी है, आपको दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर। तो ये स्टार शेक की बातें थी दोस्तों, तो आपने जवाब कर दिया होगा स्टार शेक। चलो, लिंसिड ऑयल इज यूज इन द पेंट एज, लिंसिड ऑयल, लिंसिड ऑयल, लिंसिड ऑयल आपका किसकी तरह यूज करते हैं, थिनर की तरह, कैरियर की बेस की या थिनर की, या नाम से पता लग रहा है एज अ थिनर यूज करते हैं हम पेंट में, थोड़ा सा थिनर के काम करेगा ये, थिनर की तरह काम करेगा, आप सब लोग जानते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल भी किसकी तरह याद यूज करेगा, टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल बेस का, व्हीकल का, थिनर का या ड्रायर का, व्हीकल की तरह करेगा क्या टर्पेंटाइन ऑयल? टर्पेंटाइन ऑयल यूज करते हैं हम क्यों? थिनर, स्पेसिफिक सॉरी ये कहा गया, ये वाला है क्वेश्चन, सीटूएस की बात हो रही है, विच सीमेंट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ C3S, मतलब कि C3S तो आपका ज्यादा है और सीटूएस आपका कम कर दिया गया है, C3S आपका ज्यादा है और सीटूएस को कम कर दिया गया है, तो ये किस तरह का सीमेंट है डियर स्टूडेंट? लो हीट सीमेंट में तो आप C2S बढ़ाते हो, क्विक सेटिंग सीमेंट में आप बोल सकते हो, C3S एक्चुअली में कहां पर यूज करोगे आप बताओ? क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करेंगे क्या? फेवरेट बनाना है, हाँ बनाओ, कौन सा सीमेंट है दोस्तों ये? RHC है क्या, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या क्विक सेटिंग सीमेंट है?
सोच के जवाब करना जरा, क्विक सेटिंग से मैं तो नहीं है। C3S को बढ़ाना है और C2S को घटाना है। यस स्टूडेंट, आप C3S को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब रैपिडली हार्डनिंग चाह रहे हैं। रोड रिपेयर के लिए आप यूज कर रहे हैं, रोड रिपेयरिंग के लिए आप यूज करेंगे सबसे पहले इसको, जल्दी से आपका जो है सुचारू रूप से आपका ट्रैफिक काम कर पाए। ओपीसी मतलब, ओपीसी का मतलब है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली आपको याद रखना होता है, और ये कितना होता है 3.15, सब लोगों को याद है, तो बस 3.15। जिन लोगों को याद नहीं है भाई जवाब करेंगे। बल्क मॉडुलस, ये तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अपॉन दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो तुरंत जवाब लगाओ, क्या बोल रहे हैं सर, एक सेकंड, चलो जवाब करो। करियर होगा भाई, सर थिनर नहीं करियर बोली, कौन सा है थिनर टू टर्पेंटाइन और नेप्ट। अरे यार यह वाला एक क्वेश्चन है, यह वाला मैं थोड़ा सही करवा रहा हूँ, इसका जवाब किसी ने किया था क्या, इसको करेक्ट कर देना डियर स्टूडेंट, लिंसिड ऑयल ये वाला करेक्ट कर देना, हाँ इसको मैं सही करा रहा हूँ, ये वाला कैरियर, लिंसिड ऑयल क्या है, एक तरह का कैरियर है, ठीक है ना, इसको सही कर देना, मैं सही करा रहा हूँ, जल्दीबाजी में आपने गलत कर दिया, मैंने भी कर दिया, तुम आप करेंगे। तो कैरियर का मतलब होता है एक तरह का व्हीकल, व्हीकल का काम है कैरियर, मतलब व्हीकल मतलब कि सरफेस पे चलाने का काम है। पतला क्राम का काम लिंसिड ऑयल होता है, जैसे कि टर्पेंटाइन ऑयल वगैरह होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा था हमने, तो टर्पेंटाइन ऑयल जो है एक थिनर का काम करता है, पतला कराने का काम, ठीक है चलेगा, आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन ये था दोस्तों। एक्चुअली में बल्क मॉडुलस क्या होता है कि आपका प्रेशर, हाइड्रोस्टिक प्रेशर अपॉन दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है कि आपका चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में रहा होगा, वाटर क्यूब में, तो ये यूनिटलेस है, इसको तो कोई बीमा नहीं है, दिस द यूनिटलेस। लेकिन प्रेशर होता है आपका, आपका फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसी पर डिपेंड कर रहेगा आपका यूनिट। फोर्स होता है डियर स्टूडेंट आपका न्यूटन, एरिया होगा आपका मीटर स्क्वायर। न्यूटन आप कहते हैं कि सर फोर्स की यूनिट मतलब कि MLT-2 और मीटर स्क्वायर मतलब L की पावर 2, तो ML-1 T-2 आपका ऑप्शन होगा सही। ये MLT-2 का कहानी मैंने कल भी आपको बताया था कि बेटा फोर्स होता है न्यूटन, F = होता है M into A, मास को लिखते हैं किलोग्राम, एक्सलेशन को लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम को M, मीटर को L, सेकंड स्क्वायर नीचे था ऊपर लेके T-2, तो ML-1 T-2 मतलब कि आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बी और सी बोथ, अच्छा दोनों सेम है, चलो बढ़िया। फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी, देखो भाई नंबरिंग से आप कंफ्यूज मत होना, ना ही हताश होना, हमारा सही से बताया था सर, चलो ठीक है, जिन लोगों ने सही बताया था वेरी गुड, मैंने करेक्ट भी करा दिया है, ठीक है मैंने करेक्ट भी करा दिया है। ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम होता है। फॉर्मूला जो होता है डेंसिटी इंडेक्स का ऐसा होता है, अगर यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको ढंग से, तो ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, इसको बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स। आप देख सकते हैं किसमें है आपको दिख रहा है,
तो ये वाला दिख रहा है ना, डी ऑप्शन होगा। पिकनोमीटर का यूज आप कहाँ पर करते हैं दोस्तों, बताओ। पिकनोमीटर का यूज आप कहाँ पर करते हैं बताओ, जल्दी से बताना। कई दफा बताया मैंने यार पिकनोमीटर का यूज, यार एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होता। वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी, चलो एक कल ही बताया था आपको, तुरंत जवाब करूं। न्यूटन पोरोसिटी, सॉरी सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। रखो जरा फटाफट से, 5 × 10⁻⁷ अपॉन 33% को आप 1/3 लिखते हैं भाई सीधे सीधे, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 15 × 10⁻⁷। 33 जो एन दे रखा ना आपको पोरोसिटी, 1/3 हो सकता है, 33 का मतलब 1/3 होता है ना, तो आप 5 या 15 डायरेक्टली कर सकते थे। किया था किसी ने, कोई ऐसा बालक जिसने? अरे यार निधि मौर्य जी, वो नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। क्वेश्चन आपके ज्यादा हो गए हो, 120 से ऊपर ही हम पहुंच गए हैं, चाहे तो आप गिन लेना बाद में, ठीक है। सर दो, निधि आर्य बोले सर 2 घंटे हो गए, सर आपने 78 क्वेश्चन कराए, बेटा ज़्यादा हो गए, वो नंबरिंग में एक दो गड़बड़ हो रही है, माफ करेंगे उसके लिए। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब करूँ। ये क्या है ना, इंटरनल फ्रिक्शन है आपको, 300 डिग्री है, 30 डिग्री है एक्चुअली में, आपको पैसिव और एक्टिव क्या बताना आपको, सैंड हैविंग द इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री, द रेशियो ऑफ पैसिव टू एक्टिव, मतलब कि आपको पैसिव मतलब पी बताना है और के ए का रेशियो बताना है। आप सब लोग तो जानते हैं ये क्या बन जाता है, 1/3, ये 3 बन जाता है और ये 1/3 बन जाता है। कैसे बना सर? भाई के पी जो होता है 1 + sin φ अपॉन 1 − sin φ, और के ए जो होता है 1 − sin φ अपॉन 1 + sin φ। गजब हो गया सर, 30 डिग्री का मान रखो 1/2, तो ये 3 बन जाएगा, ये 1/3 बन जाएगा, गजब हो गया सर। तो 3 / 1/3 करोगे तो ये 9 ना बनेगा, 9 आ जाएगा आपका आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। देख रहा मैं, एक मिनट है, देख मैं देखता हूँ क्वेश्चन जरा है, क्वेश्चन बहुत है यार इसमें। चलो फेरेटिक लाइन इन एन अर्दन डैम, डैम ये होता है डियर स्टूडेंट, ये डैम हमने बना दिया है ना, ये डैम बना दिया हमने, और डैम में डियर स्टूडेंट आपका जो ये पानी, ये रिजर्वायर है इधर, ये रिजर्वायर है, तो एक्चुअली में जो हमारा पानी जाता है ना पेनिस्ट उससे, ये अर्दन डैम है, अर्दन डैम है तो आपका सीपेज फ्लो करेगा, तो इसका हम जो प्रोफाइल मान के चलते हैं, ये एक एजम्पशन है कि हम पैराबोलिक प्रोफाइल चलते हैं, फेरेटिक लाइन कुछ नहीं है, ये आपका जो पानी जो सीपेज हो रहा है अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ, तो हम पैराबोलिक लेके चलते हैं डियर स्टूडेंट, पैराबोलिक लेके चलते हैं, सॉइल मैकेनिक्स का अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें हम एटमोस्फेरिक, इसके ऊपर वाला जो है ना यहाँ पर, इसमें हम पी एटमोस्फेरिक लेके चलते हैं, प्रेशर दैट इज इक्वल टू 0, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, टॉप मोस्ट सैचुरेटेड फ्लो लाइन है ना, बिल्कुल सही बात है, अच्छा पढ़ा आपने सभी लोगों ने, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आपका ए बी है और बी सी है, सबसे पहले नॉर्थ 52° 45' है ईस्ट की तरफ, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपका ये है नॉर्थ 52 डिग्री
मतलब कि ये 52 डिग्री है और 45 मिनट है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है। उसके बाद जो तो बी से आप सी गए तो ये भी आप कैसे गए देखना। अब देखो 52 डिग्री ज़्यादा नीचे होगा, 34 डिग्री थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि एंगल तो आप यहाँ से ले रहे हैं ना, तो ये कितना है आपका 34 डिग्री 30 मिनट है दोस्तों। मतलब कि लाइन कुछ ऐसे भी और फिर थोड़ा सा ऐसे भी है ना, यस और नॉट बोल सक मान सकते हो। तो अब आपको डिफ्लेक्शन एंगल बताना है। डिफ्लेक्शन एंगल जानते हो किसको कहते हो, यही है वो डिफ्लेक्शन एंगल। जो ये लाइन सीधी जा रही थी बेचारी चुपचाप जा रही थी, ये तुम्हारा बी है दोस्तों, ये सी है स्टेशन, ये ए हो गया। तो ए बी लाइन जो चुपचाप जा रही थी, तो ये सी को मुड़ने के लिए पहली बात तो किधर के लिए मुड़ी है, लेफ्ट या राइट, मतलब कि लेफ्ट लेफ्ट साइड या इधर राइट साइड, ये भी देखना है किधर मुड़े आप बताओ। ये थी ना लाइन, तो आप इधर की साइड आए ना, इधर होता है आपका लेफ्ट, इधर होता है राइट, तो लेफ्ट साइड मुड़ा है। पहली बात तो आंसर आपका लेफ्ट में होगा, लेकिन कितना मुड़ा है ये सवाल आपका करना है। तो दोस्तों अब जवाब करना है आपने कि ये है आपका 52 डिग्री 45 मिनट। बता सकते हो क्या कितना होगा ये एंगल? डीएसटन मैं बताता हूँ आपको, ये गई ना आपकी लाइन, आपको ये चाहिए एंगल। और आप सब लोग जानते हैं कि सर आप किसी भी लाइन पर चले जाओ हर एंगल आपको दिखेगा 52 डिग्री 45 मिनट। इस लाइन पर कहीं भी चले जाओ 52 डिग्री। अब यहां पर एक लाइन बीच में और आ गई ये वाली, तो आप 34 डिग्री, आप 52 डिग्री 45 मिनट में से 34 डिग्री कितना था आपका 30 मिनट, आप घटा दो 5 हो गया, 4 में से 3 गया 1, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 18 डिग्री 15 मिनट दोस्तों। कितने लोगों को समझ आया भाई, कितने लोगों को समझ आया है? तो खेल यहां पर गलत नहीं करना है, लेफ्ट में होगा सही बात। तो पहले ये है लाइन तुम्हारी चुपचाप बिचारी ये थी, लेकिन लेफ्ट के साइड मुड़ गई, तो डिफ्लेक्शन एंगल ये हो गया। कितने से मुड़ी सर ये एंगल जो है, यही तो है 18 डिग्री 15 मिनट का। कैसे घटाया, क्योंकि 52 45 मिनट कहीं पर भी आप देखो उसमें से घटा दिया, तो हमारा ये होगा दोस्तों 18 डिग्री 15 मिनट लेफ्ट की तरफ गई है, लेफ्ट की तरफ। तो सी ऑप्शन होगा, गलत मत करना, यहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं। कई लोग अपना दिमाग इधर उधर का दौड़ा रहे हैं फालतू का, लेकिन आंसर ये डिफ्लेक्शन एंगल। कभी आप कभी रेफरेंस में नहीं लिखते हो, दिस इज नॉट द बियरिंग, दिस इज द डिफ्लेक्शन एंगल, तो उसको लेफ्ट और राइट में ही लिखोगे बस। आप नॉर्थ और वेस्ट का क्या मतलब भाई, नॉर्थ और वेस्ट का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर एलपीसीडी, आप सब लोग जानते हैं कि डोमेस्टिक वाटर आप कितना लेते हैं, 135 डिग्री लेते हैं, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये लो इनकम ग्रुप के लिए है, लो इनकम ग्रुप है, ये एवरेज लीग ग्रुप के लिए है, लो इनकम ग्रुप एलआईजी ग्रुप। लेकिन जब आपका एचआईजी की बात करते हैं या फुल फ्लशिंग सिस्टम के लिए बात करते हैं, फुल फ्लशिंग सिस्टम इसके लिए बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट यही जो हो जाता है 200 लीटर पर कैपिटा पर डिमांड, एक आदमी के द्वारा एक दिन में इतना पानी लिया जाता है, इतना कंज्यूम किया जाता है, आप सब लोग जानते हैं। व्हाट इज द फॉर्मेशन व्हेन द कोगुलेंट इज एडेड टू वाटर, डियर स्टूडेंट पानी का जब हम सप्लाई करते हैं, जब वाटर सप्लाई हम देते हैं, तो जो सोर्स से पानी आता है रिवर से, तो पहले तो आप मोटा मोटा स्क्रीनिंग कर देते हैं, फिर सेडिमेंटेशन टैंक से गुजारते हैं, तो कुछ पार्टिकल वहां सेटल हो जाएंगे जो बड़े बड़े होंगे, जो छोटे पार्टिकल होंगे ना बारीक बारीक, तो वो सेटल नहीं हो रहे होंगे। उसके लिए हम एक उपाय करते हैं कि केमिकल डाल देते हैं, जैसे कि एलम वगैरह, तो वो क्या करता है, वो छोटे पार्टिकल को चिपकाने का काम करता है। चिपकाने के बाद जो बनते हैं एक बड़े मास के, बड़े डेंसिटी के पार्टिकल, उसको फ्लॉक कहते हैं। डेंसिटी बढ़ गई, सेटल हो जाएंगे, तो डियर स्टूडेंट ये फ्लॉक है। चलो, स्लो सैंड फिल्टर इज एबल टू रिमूव, स्लो सैंड फिल्टर क्या करता है, स्लो सैंड फिल्टर इज एबल टू रिमूव, क्या रिमूव करता है दोस्तों ये स्लो सैंड फिल्टर, जल्दी से बताओ। स्लो सैंड फिल्टर जो है आपका रिमूव करता है कितना परसेंट, बेटा मैंने आपको कहा था कि स्लो सैंड फिल्टर का ड्रॉबैक है तो एक है, वो फिल्ट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा देर में करता है, टाइम ज्यादा लगाता है। भले एक फायदा यह है, उसको क्लीनिंग करने की ज्यादा तकलीफ नहीं है, 1 से 3 महीने के अंतराल में आप कभी भी कर दो सफाई, लेकिन इसका मेजर जो फायदा है ना क्या है, बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी, खूब बैक्टीरिया रिमूव कर सकता है। देख रहे हो ना आप 98 से 99%, जबकि आपका जो रैपिड सैंड फिल्टर है वो 90% तक ही कर पाता है, ठीक है। आपको पता है कि अगर आपका जैसे कि अगर फिल्ट्रेशन नहीं करते हो आप, एक बीमारी होती है, पूछा जाता है आपसे गनिया वॉर्म डिजीज,
गनिया वॉर्म डिजीज, अफ्रीकन देशों में होता था ये, अभी तो गनिया वॉर्म अभी भी होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अभी भी पानी लोग साफ नहीं पी पाते हैं, क्योंकि बहुत गरीब देश है एक्चुअली में, जिस वजह से वहाँ पर फिल्ट्रेशन करके नहीं कर पाते हैं, तो लोग पानी ऐसे पी लेते हैं, तो एक बीमारी होती है गनिया वॉर्म डिजीज, शायद आपने देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है गनिया वॉर्म डिजीज कैसा होता है, कितने लोगों ने देखा है, नहीं देखा है, चलेगा। विच टाइप ऑफ फिल्टर इज ट्रीटिंग दी स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल वाटर के लिए, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, स्विमिंग पूल जो होता है डियस्टन उसको सफाई करने के लिए, बताओ स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं हम, स्विमिंग पूल वाटर को हम क्या करते हैं, प्रेशर फिल्टर से ट्रीटिंग करते हैं, टाइप ऑफ फिल्टर, स्विमिंग पूल में हम प्रेशर फिल्टर लगाते हैं दोस्तों, स्विमिंग पूल जैसे नाम आए तो प्रेशर फिल्टर, गनिया में आ जाते हैं लोग, हैं देखा है किसी ने, नहीं देखा है, गनिया वॉर्म डिजीज, कहीं कभी एक दिन सर्च करना यूट्यूब में या कहीं गूगल वगैरह में, ऐसा एक कीड़ा टाइप का होता है एक, तो उसको निकालने का भी कुछ विचित्र तरीका है, जो हमारा पैर होता ना, पैर के नीचे पर छेद करता है डॉक्टर, फिर निकालता है उसको, ऐसे कीड़ा चले जाता है, कुछ दवाई दी जाती है जिससे कि पैर के नज़दीक आ जाए वो नीचे, खैर आप सर्च कर लेना, देख लोगे आप कभी इंटरेस्ट आए तो, ठीक है। चलेगा, बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन ब्रिक वर्क, बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन ब्रिक वर्क, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि इंग्लिश बॉन्ड भाई इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला बॉन्ड भी यही है, पूछा जाता है विच बॉन्ड इज मोस्टली और जनरली यूज्ड इन इंडिया, तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला भी, और सबसे मजेदार बात है कि इसकी स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा है, इंग्लिश बॉन्ड ये कुछ ऐसा होगा, एक जगह आपका स्ट्रेचर होगा, ये देखो यहाँ पर स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, एक रो पूरी स्ट्रेचर की होगी, दूसरा आपका हेडर 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 हेडर, बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर क्वीन क्लोजर आपने यूज कर दिया है, ठीक है चलेगा। इनर सरफेस ऑफ द आर्च, ध्यान रखिएगा इनर सरफेस की बात हो रही है, नॉट अ इनर कर्व, और जब इनर सरफेस, दो चीजें आती हैं यहाँ पर कंफ्यूजिंग, एक होता है इनर सरफेस और एक होता है इनर कर्व, दोनों में कंफ्यूज है, तो जब इनर सरफेस की बात हो तो डियर स्टूडेंट तुरंत जवाब करेंगे आप क्या, चलो इसका जवाब मैं आप पर रुकता हूँ हैवी लोड के लिए, चलो जवाब करो इसका जवाब मैं आप पर रोकता हूं, इसका जवाब मैं आप पर रोकता हूं, जरा जवाब करेंगे दोस्तों, क्यूएससी क्यूएससी क्या क्विक सेक्टिंग सीमेंट, सिद्धार्थ चलो डी ऑप्शन क्या बेटा, ये सॉफिट है, इसीलिए तो कहता हूँ ध्यान से पढ़ो, इसीलिए तो कहता हूँ मैं ध्यान से पढ़ो, इसका सॉफिट है जवाब, जब हम बात करते हैं ना इनर सरफेस की, तो इनर सरफेस की हम बात करते हैं, वो इनर सरफेस ना केवल आर्च का, अगर आप स्लैब पढ़ रहे हैं ना ऊपर छत देखो, तो छत का जो बॉटम सरफेस कहलाएगा ना सरफेस, उसको भी सॉफिट कहते हैं, तो यही पूछा गया था कि आर्च का जो इनर सरफेस है अंतर वाला, तो उसको सॉफिट ही कहेंगे, लेकिन इनर कर्व और आउटर कर्व में डिफरेंस है, देखो कैसे, अगर आपसे बोला जाए कि इनर कर्व ऑफ द आर्च तो इंट्रोड्स होगा, इंट्रोड्स, और आउटर कर्व ऑफ द आर्च होगा तो ये एक्सट्रोड होगा, तो ध्यान रखिएगा कहीं पर लिख दो, कर्व पूछे तो इनर कर्व होगा आपका इंट्रोड्स, आउटर कर्व पूछे तो होगा एक्सट्रोड, लेकिन अगर सरफेस पूछ रहा है तो दोस्तों सरफेस आपका सॉफिट ही होगा, क्योंकि यहां पर वो आर्च कहे बिम कहे स्लैब कहे या स्टीयर करे, अगर कोई सीढ़ी है सीढ़ी तो सीढ़ी का बॉटम वाला जो सरफेस कहलाएगा वो भी सॉफिट, कोई स्लैब है छत है तो उसका बॉटम वाला सरफेस वो भी सॉफिट, आर्च है तो उसका बॉटम सरफेस इनर सरफेस वो भी सॉफिट, क्लियर है यहां तक, गजब हो गया। डेकोरेटिव पर्पज के लिए आप कौन सा फ्लोरिंग स्टार्ट करना चाहोगे, फ्लोरिंग समझते हैं सब लोग, फ्लोरिंग, तो डेकोरेटिव फ्लोरिंग आप कौन सा करोगे बताओ, डेकोरेटिव पर्पज के लिए, डेकोरेटिव पर्पज के लिए आप कौन सा सही करोगे, चलो जवाब करो, डेकोरेटिंग पर्पज के लिए बताइए जी,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज द डेकोरेटिव फ्लोरिंग? तो मड फ्लोरिंग, मुरम फ्लोरिंग, सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग या टेरोजो फ्लोरिंग? तो आप कहेंगे कि सर टेरोजो फ्लोरिंग, क्या कहोगे आप? टेरोजो फ्लोरिंग क्या कहोगे मित्रों? टेरोजो फ्लोरिंग आप क्या करते हो, मार्बल चिप्स वगैरह उसमें लगे होते हैं, अच्छा दिखता है, दिखने में भी अच्छी लगती है वो टाइल, ठीक है, टेरोजो। सिल ऑफ द डोर इज नोन एज, ये शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ोगे इसको। सिल तो आपको पता है भाई, दरवाजा ऐसा था, दरवाजे की शटर की बात हो रही है, दरवाजे में डियर स्टूडेंट एक्चुअली में जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, दरवाजे भी कहेंगे आप या आप फ्रेम में भी कह दें, दरवाजे में नीचे वाले जोन को सिल कह सकते हैं, अगर चौखट की बात करें तो वो भी नीचे वाला पार्ट को सिल कहते हैं, लेकिन दूसरा नाम भी है उसका। फ्रेम तो हो नहीं सकता, दिमाग लगाओ एलिमिनेट करो, शटर भी हो नहीं सकता, हेड तो वैसे भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा फिर? थ्रेशोल्ड, उसको थ्रेशोल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? थ्रेशोल्ड बोला जाता है। चलेगा, कुछ बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज, इंपॉर्टेंट बातें, UPMRC जेई ना सही, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट आर द रॉक फॉर्मिंग मिनरल, मतलब कि चट्टानों में कितने तरह के मिनरल आपको देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग चट्टानों में, अलग अलग रॉक्स में, तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपने थोड़ा थोड़ा सुना होगा क्वार्टजाइट, माइका, है ना, इस तरह के मिनरल सुने कि नहीं सुने हैं, है ना? हाँ ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिनरल पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं अगली क्लास में करूँगा सारी बातें, इन मिनरल को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से मिनरल हैं दोस्तों जो आपके दिमाग में रखने हैं, उसके बाद कल मैं आपको इसके आगे कराऊंगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करानी है अभी। जैसे कि डियर स्टूडेंट एक्चुअली में रॉक फॉर्मिंग मिनरल में देखा जाए तो सिलिका एक मिनरल है, हॉर्नब्लेन, ऑगाइट, फेल्सपर, कोलोराइट, माइका, ठीक है ना, माइका, दूसरा ओलिवाइन, नेक्स्ट आपका प्लेगोस्क्लेस, कैल्साइट, क्वार्ट्ज हो गया, सर्पेंटाइन, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कैल्सोनाइट, लाइमनाइट, लाइमोनाइट, जिप्सम, एनेड्रेट। तो ये सब तुम्हारे जो है मिनरल हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ आपके नहीं है। क्वार्ट्जाइट एक रॉक है लेकिन एक मिनरल में भी गिना जाता है, क्वार्ट्जाइट अलग है, क्वार्ट्ज अलग है, पढ़ने में ध्यान रखो। अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय बाद की स्ट्रेंथ, तो हम कहेंगे कि सर ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट इनिशियल स्ट्रेंथ देता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट यही तो देता है फाइनल स्ट्रेंथ, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ या लेटर स्ट्रेंथ, फाइनल स्ट्रेंथ कहें, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहें, या लेटर स्ट्रेंथ, तो हम कह देंगे सर कौन देगा? डाई कैल्शियम सिलिकेट देगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू गिव द पेस्ट नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द इनिशियल सेटिंग टाइम? दोस्तों पिछली क्लासों में मैंने बताया था हर एक तरह का आपको टेस्टिंग में, सीमेंट के टेस्टिंग में कितना आप कंसिस्टेंसी लेते हैं, तो अगर हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पी से डिनोट कर रहे हैं तो इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, इन दोनों के लिए जो हम लेते हैं 0.78 टाइम्स ऑफ द पी लेते हैं, ऐसा कुछ लिखा जाता है इसको, 0.85 टाइम्स ऑफ द पी, याद है क्या? इसको हम साउंडनेस के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर ये साउंडनेस के लिए यूज होता है, और अगर आपको याद होगा तो पी बाय 4 प्लस 3 आपका सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, पी बाय 5 प्लस 2.5 ये तुम्हारा सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। ये छोटी छोटी बातें हैं यार, इसमें एक नंबर आपका फोकट में आ जा रहा है तो क्यों नहीं याद करते हैं, भूल क्यों जाते हैं? तो ठीक है, सी हो गया आपका ऑप्शन, चलेगा। पिछली क्लास में मैंने आपको दर्शाया था, दिखाया भी था कि भैया जो आपके ग्रेड होते हैं, जैसे मैं कहूँ 33 ग्रेड है, मैं कहूँ कि सर 43 ग्रेड है, मैं कहूँ सर 53 ग्रेड है, तो ये ग्रेड कितने दिन की स्ट्रेंथ है एक्चुअली में? ये जो ग्रेड है आपके, ये आपकी 28 डेज की स्ट्रेंथ है। कैसे देखोगे? सर ये सब MPa में है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ये भी MPa है और ये भी MPa। ग्रेड होते हैं OPC के तीन, 43, 33 और 53। नॉर्मली इंडियन मार्केट में, भारतीय बाजार में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ग्रेड 43 है, ठीक है, न कम स्ट्रेंथ है न ज़्यादा है, मतलब पैसा भी ठीक ठाक है, मॉडरेट में। अब होता क्या डियर स्ट्रेंथ की, जब हम बात करते हैं 3 दिन की स्ट्रेंथ, 3 डेज स्ट्रेंथ, हम बात करते हैं 7 डेज स्ट्रेंथ, और हम बात करते हैं डियर स्ट्रेंथ 28 डेज स्ट्रेंथ। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ, मैं 33 ग्रेड की चलूँ बात, तो 33 जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 28 दिन की है, 7 डेज किसकी हो जाएगी? 22, और अगर मैं 3 दिन की बोलूँ तो 16। इसका लॉजिक क्या है? हम क्या करते हैं, 1/2 करते हैं, 50% लेते हैं 28 दिन की स्ट्रेंथ का, तो 33 का 50% करो तो आ जाएगा। यहाँ पर हम 66% लेते हैं, मतलब 2/3 ऑफ 33 करो तो आ जाएगा आपका कितना, 22। तो वैसे ही आप 43 में, वैसे ही आप 53 में कर सकते हैं, तो ये लॉजिक है। इसके साथ आप देख रहे हैं कि 16 MPa हो जाएगा। अच्छा ब्लास्टिंग की प्रोसेस बताओ, ब्लास्टिंग समझते हैं?
जब आप क्वेरिंग करते हैं ना, क्वेरिंग ऑफ स्टोन, क्वेरिंग ऑफ स्टोन, स्टोन का जब आप क्वेरिंग करते हैं, जब आप खनन करते हैं, उस दौरान डी स्टोन आपको ब्लास्टिंग की जरूरत पड़ती है। ब्लास्टिंग के कुछ प्रोसेसिंग है, उसको मैं समझा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लास्टिंग की कुछ प्रोसेस है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें कि प्रोसेस क्या क्या है। एक तो पहले बोरिंग होल करेंगे, इस पत्थर है तो उसमें बोरिंग करेंगे, होल करेंगे, उसको चार्जिंग भर देंगे, उसमें फिलिंग करेंगे, उसमें गन पाउडर, डायनामाइट है ना, कॉटन पाउडर, ये सब चीज़ें उसमें भरी जाएंगी। उसके बाद उसको टैंपिंग किया जाएगा, स्पून की मदद से उसको खूब फिल किया जाएगा, भरा जाएगा। उसके बाद उसमें आग लगाया जाएगा, और जैसे ही आग लगाएगी तो धड़ाम से जो है पत्थर फट जाएगा, वही तो है ब्लास्टिंग। और ब्लास्टिंग के मैं आपको थोड़ा सा इस फिगर की मदद से और कम्प्लीटली इसको समझाना चाहता हूँ। यह है डिस्टेंट पत्थर का, आप इंटीरियर व्यू देखें, तो इंटीरियर व्यू पहले इसको होलिंग किया, होल किया जाता है, कर दिया होल, होल करने की ब्लास्ट होल है उस, ये रॉक है, देखें ना आप, ये रॉक है। इसके बाद क्या कर दिया आपने, फ्यूज की मदद से, ये फ्यूज है, इसकी मदद से आपने चार्ज कर दिया, क्या क्या किया, गन पाउडर, डायनामाइट आपने चार्ज कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर खूब फिल कर दिया, इसको खूब कॉम्पैक्ट भी कर दिया। बाहर आपकी एक बत्ती रहती है, इस बत्ती पे क्या लगाओगे, ठट ठट करके भट से इसमें आग लगा दोगे, ये पूरा का पूरा पत्थर धड़ाम से जो है बढ़िया से फूट जाएगा। तो ये है आपकी ब्लास्टिंग की कहानी, समझ रहे बात को, ये है ब्लास्टिंग की कहानी डियर स्टूडेंट, समझे बात को, ये नहीं समझे। ये बीएसएफ जेई में भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, बीएसएफ जेई का क्वेश्चन एक्चुअली में, ये वो जो क्वेश्चन था आपका बीएसएफ जेई में आया था, समझ गए बात को। चलिए चलो इस क्वेश्चन का जवाब करो, इसमें क्या होगा आंसर भैया, आप सब लोग तो जानते हैं, अभी जस्ट पहले भी मैंने कहा था E इज इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन, ये लग जाएगा इसमें, ये वाला लग जाएगा इसमें, लग तो जाना चाहिए। या एक और फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू ई अपॉन वन प्लस ई, कौन सा लग रहा है बताओ, ई इज इक्वल टू एन वन प्लस ई, कौन सा लग रहा है, सब गलत है क्या, e अपॉन ये तो गलत है, n इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई लिख सकते हैं, ये भी नहीं लिख सकते यार, वन प्लस एन, मुझे भी गलत ही लग रहे हैं सब, सारा रॉन्ग ऑप्शन सब गलत है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, घबरा मत आप सही हैं बस, चलो ठीक है। तो चलिए फिर आज की सभा को यहीं पर करता हूँ यार मैं आपका, ठीक है ना, और क्वेश्चन मैं कल कराता हूँ आपको, ठीक है। तो आज की सभा आपको पसंद आई होगी, बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, गन पाउडर, ब्लास्टिंग पाउडर, इस सब बारे में मैंने आपको बताया किस तरह से आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपने सीखा भी है, रिवाइज भी हुआ है आपका। तो ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो भाई, मुझे अच्छा लगता है जब मैं चैनल का पर जाके कुछ कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ, अच्छे बुरे मैं दोनों पढ़ता हूँ, अच्छे होंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा, बुरा होता तो मैं और मेहनत करता हूँ, मैं अपनी गलतियाँ देखता हूँ, मैं उससे हताश नहीं होता, उससे भी मैं कुछ सीखता हूँ, ठीक है। और यही इंसान की प्रवृत्ति है, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, अगर ऐसे दिमाग में रहा कि उसने मुझे ये बोला, मेरा ईगो हर्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, इंसान है, कब क्या हो जाए इंसान के साथ कोई पता नहीं, इसलिए नो ईगो, नो घमंड, कुछ नहीं, पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ो मस्त करके, मेहनत करो, मस्त रहो, खुश रहो और टेंशन फ्री रहो, है ना, जॉब तो लगना ही है, ठीक है ना, जॉब से पहले एक इंसानियत भी है, एक ह्यूमन बीइंग भी होना चाहिए आपके अंदर एक अच्छा, ठीक है। तो 115 प्लस मान कर चलो, किसमें सर जनरल का कट ऑफ कितना हो सकता है इसमें, अरे अच्छा खासा रहेगा यार कट ऑफ, तुम कट ऑफ पर जाते हो सीधे, पहले मेहनत तो करो, यहाँ कट ऑफ को तो बात की बात है, सिलेबस पता है ना, बस
ठीक है। तो चलिए आज की सभा को यहीं पर करते हैं दोस्तों, पढ़ते रहो और सीखते रहो, और फिर से इसी डायलॉग के साथ, इसी कोट के साथ, आप जो सोचते हैं कर सकते हैं, बात तो यह है कि आप सोच क्या रहे हैं। समझ गए ना, बात का मतलब समझ गए, जो सोच रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते बात यह है कि आप सोच क्या रहे हैं, जो सोचोगे वही पाओगे, ठीक है। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा पाओगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, गुड नाइट ऑल।